सो आई होप यू अप्रिशिएट कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम आपको कई जगहों पे इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो व्हाट वी विल गोइंग टू डू, तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक देर इज ए कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप ऐसा करते हैं कि एक प्रोग्राम लिखते हैं, और वो जो प्रोग्राम है ना वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट लिखा जाता है, ठीक है। ये एक पीस ऑफ कोड है जिसकी कोई स्पेसिफिकेशन होती है, C++ में भी इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, कि आप इसको बेसिकली इमेजिन करें कि ये एक ब्लैक बॉक्स है, और बेसिकली इसका आप कोई नाम रखते हैं, लेट्स से कि मैं ये साइन के लिए मैं साइन ही नाम रखूंगा, ठीक है। और इसमें कोई इनपुट जाएगी और इसकी कोई आउटपुट होगी, ठीक है। अच्छा, आउटपुट का मतलब ये नहीं है कि कंसोल फॉर आउटपुट, आउटपुट का यहां पर मतलब यह है कि इनपुट जो इससे जा रही है इसके ऊपर उसने काम करना होता है, और जो आउटपुट है वो बेसिकली क्या है, वो जहां पर भी मुझे साइन चाहिए होगा, जहां पर भी मुझे साइन चाहिए होगा, सो फॉर एग्जांपल मुझे साइन 60 चाहिए, तो मैं यहां पर साइन लिखूंगा, यहां पर मैं 60 लिखूंगा। ये जो 60 है ये इसके एज ए जहां से कॉल कर रहे होते हैं इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन ये जो मॉड्यूल मैंने लिखा है, ये जो पीस ऑफ कोड मैंने लिखा है, इसको C++ में फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज जो मैंने यहां पे पास की होती है जिनको हम आर्गुमेंट कहते हैं, वो यहां पे रिसीव होते हैं एज ए पैरामीटर्स, ठीक है, ये बात समझ आई। और फिर उस पैरामीटर की बेस पे कोड लिखा जाता है, इन पैरामीटर्स की बेस पे हम कोड लिखते हैं, यानी इस मॉड्यूल को बनाने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हां भाई ये वैल्यू आ गई है, अगर ये वैल्यू आ गई है तो उसे काम करना चाहिए। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? This is perhaps the most beautiful part, जिसने जो basically inspire है human की progress है। I don't know आपने कहीं उन्हें ये देखा हुआ या नहीं देखा हुआ कि basically जो कभी भी industries जब प्रमाण चढ़ती हैं तो उसमें होता ही है कि हर ए जो department होता है, अब ये department होगा जो ये motherboard बनाएगा, ये department होगा जो casing बनाएगा, ये basically जितने भी ये बड़े बड़े giants हैं उन्होंने specialization उसके काम किए होते हैं, वो ये अज्यूम करते हैं कि ये चीज है, अगर मुझे ये इनपुट मिल जाए तो ये काम इसे ठीक करना चाहिए। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ये बिल्कुल उसी चीज से इंस्पायर है कि ये एक पीस ऑफ कोड है जो मैं लिखूंगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा कि कहां से इसको कॉल किया गया, ठीक है। और लिखा से जाता है कि ये इन पैरामीटर्स की बेस पर लिखा जाएगा, हाँ जहां पर भी अब उसको जरूरत पड़ेगी आपको आप पैरामीटर्स की जगह पर उसको आर्गुमेंट्स भेजेंगे, वो उन आर्गुमेंट्स को वहां पर रिसीव करेगा एज ए पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स की बेस पर काम करेगा, और वो यहां से जो आउटपुट करेगा उस आउटपुट के लिए इंस्ट्रक्शन यूज होती है जिसे रिटर्न कहते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आपने कॉल किया होता है वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन वहां पर वैल्यू लेके आती है और वहां पर रिप्लेस कर देती है, ऑलराइट। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ओके। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो शायद बहुत पहले से, और एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से पहले ह्यूम जो है वो इंजीनियरिंग में तो जगह जगह पर नजर आ रही थी, ठीक है। सो दे मेड ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस। और ये क्यों बनाया था? एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है वो ये है, एक तो मैंने आपको बताया रीयूजेबिलिटी का मतलब जहां पर भी आपको साइन चाहिए होगा आप इसको कॉल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये बस नहीं। तो लेट्स से आपको 50 जगह पर चाहिए तो आपको 50 जगह पर दोबारा रिकोड नहीं करना पड़ेगा, ऑल यू हैव टू डू इज जहां जहां पर चाहिए वहां वहां पर आप कॉल कर दें, ठीक है। कैन एनीबडी गिव मी वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस And that's a very beautiful advantage. जी बताएं, अगर हम ये ना करते तो क्या होता? वहां पर कोड लिखना पड़ता हमें, ठीक है ना। चलो कोड तो लिख लेट्स, कोड लिख लिया तो वहां पर भी कोड करेंगे, ठीक है। नहीं, लेकिन एक और मसला भी है, एक बहुत शदीद मसला है। क्या? नहीं हमें आप रिटर्न की जरूरत नहीं है ना, आप तो हम कोड लिख रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। आप तो वहां पर कोड लिख रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। आप तो वहां पर कोड लिखेंगे, कोड में जो भी वेरिएबल होगा उसे सेव कर देंगे बस। जी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, रिडंडेंसी तो मैं कह रहा हूं ना, रिडंडेंसी को मैंने अलर्ट से कहता हूं, रिडंडेंसी को मसला नहीं है। जाओ यार देखना कौन है। जी यार रिडंडेंसी कोई वही मतलब है ना, कोई और वजह होता है। एनीथिंग एल्स, देयर इज अ मच बिगर प्रॉब्लम। ये सारी सेम बातें ना। हाँ जी, ये बात
इमेजिन करें कि आपने 50 जगह पे कोड लिखा हुआ था, ठीक है, और आई डोंट नो आपका प्रोग्राम कितना बड़ा हो गया, प्रोग्राम लेट्स से 500 फाइलों में पड़ा हुआ है, बल्कि 500 फाइल है क्या, 5000 फाइलों में पड़ा हुआ है ना। अब आपको नहीं पता कहां कहां कॉल किया था, कहां कहां मैंने कोड लिखा, आपको समझ में आई क्या बात है? पूरी ऊप की कहानी यहीं से शुरू होगी, मैं बता दूं सारी की सारी ऊप की कहानी है ना, वो इस बात से शुरू होगी। ओके, हम जब ऊप पे ट्रांजिशन करेंगे ना, आपको जगह जगह ये बात नजर आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोड को अगर स्कैटर्ड लिखा जाए तो दैट्स द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो कोड गलत लिखा हुआ था, अब आपकी तबीयत साफ हो जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता आपने कहां कहां पर लिखा हुआ है। ये आप, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ दिस, कि ये अगर गलत कोड लिखा गया है तो आपका 500 जगहों पर गलती आ गई है, ठीक है। बट इमेजिन करें कि अब आपके लेट्स से हजारों में यूजर हैं, ठीक है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट गए हैं, आप गूगल गए हैं, आपके तो भाई वहां तो भाई हजारों कोडर गए, और अगर हजारों लोगों को उसकी जरूरत पड़ी और उन्होंने वो कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो फिर तबाही फिर जाएगी। आपको समझ में आ रही है इसकी बहुत बड़ी उसकी वजह क्या है, और मैं बता रहा हूं हम ऊप पे जाएंगे, यू विल गोइंग टू सी दिस इन एक्शन, कि वहां पर तो कितनी एक्सटेंसिवली इस बात को की वर्थ होगी, पूरी ऊप इस बात पर खड़ी होगी, ठीक है, वो और भी रिडंडेंसी हटाएगी, और भी रिडंडेंसी हटाएगी, ठीक है। तो जी, तो हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सी प्लस प्लस में उसके लिखने का तरीका क्या होता है कि हम करते हैं क्या है, उसको मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, उसको हम फंक्शन नेम कर देते हैं, फंक्शन नेम, ठीक है। यहां पे आप बताते हैं डेटा टाइप, यहां पे पैरामीटर वन होता है, फिर कॉमा डेटा टाइप, और यहां पे पैरामीटर टू होता है, ठीक है। और अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करना चाहते तो कुछ भी ना पास करें, ठीक है। यूजुअली यहां पे उसकी रिटर्न टाइप आती है, रिटर्न टाइप, ठीक है, ओके। और सी प्लस प्लस इज ए काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज इन अ सेंस कि यहां पर आप चाहें तो एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते, ठीक है, एंड दैट्स द लिमिटेशन इट हैज, ठीक है। इसको फिर ओवर हम कोप करेंगे कि अगर हमने एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवानी हो तो कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। उसके भी दो तरीके हैं, एटलीस्ट हैं, दो या तीन या चार तरीके हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो विल यू वांट टू टॉक अबाउट फर्स्ट हाउ टू मेक फंक्शंस, मैं एक प्रोग्राम बताऊंगा आपको, बताया, हम थोड़ा फिगर आउट करेंगे, अच्छा ये मुझे अलग चाहिए, ये मुझे अलग चाहिए, ये मुझे अलग चाहिए, ये मुझे अलग चाहिए, ठीक है। इस प्रॉब्लम के अंदर सब प्रॉब्लम कौन कौन से हैं वो हम लिखेंगे, ये बात समझाएंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम उसको यूज करते हुए कुछ मजेदार सा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, ऑल राइट, गुड। तो पहला प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम एक बड़ा मजेदार सा प्रोग्राम है जो हम लिखेंगे, और बाय द वे इसकी जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो यहां लिखी जाती है, हम यहां पे कोड लिखते हैं, हम कहते हैं अज्यूम करो कि ये वेरिएबल्स हमारे पास पहले मौजूद है, ठीक है, और इसका यहां पे इसने कोई प्रोसेसिंग करनी है, और जो भी रिजल्ट कंप्यूटेशन होगी उसको हम जाके रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न यहां पे लिख देंगे क्या रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। हो सकता है मल्टीपल जगह पे आपने रिटर्न रिजल्ट वगैरह लिखा हो, एक बात याद रखें, अगर ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो उसके नीचे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये इफ में लिखा हुआ है, तो अगर इफ एग्जीक्यूट होगा तो फिर ये इस रिटर्न इंस्ट्रक्शन चलेगी, अगर इफ नहीं होगा तो उसके नीचे चला जाएगा वो, ठीक है, ऑलराइट, गुड। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम यह है कि आपने एक फंक्शन लिखना है, एक फंक्शन नहीं, एक बार एक प्रोग्राम लिखना है, रिक्वायरमेंट क्या है, आई हेट दिस, काइंडली यार ये स्क्रीन साफ कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि वो उस पर डॉट्स उसमें भी होते हैं, मुझे भी डॉट समझ नहीं आ रहा था। सो आपने करना क्या है, एक नंबर इनपुट करवाना है यूजर से, प्रोग्राम से, प्रोग्राम ने इनपुट करवाना है, और रिक्वायरमेंट यह है कि बताएं कि ये स्पेशल प्राइम है या नहीं है। व्हाट इज अ स्पेशल प्राइम, स्पेशल प्राइम इज द फॉलोइंग प्राइम, कि अगर आप कोई नंबर लें, ठीक है, तो लेट्स से 1735 समथिंग लाइक दैट, 5 नहीं लेते बल्कि यहां पे हम आई डोंट नो 737 कर लेते हैं, या 7 कर देते, ठीक, बेशक 9 भी कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अ स्पेशल प्राइम, स्पेशल प्राइम इज अ प्राइम जो के कुछ इस तरह का है कि आपने
जो नंबर आपको मिला होता है वो भी प्राइम होता है, फिर उसको एक दफा रोटेट करो तो भी वो प्राइम होता है, एक दफा और रोटेट करो तो भी वो प्राइम होता है, एक दफा और रोटेट करो तो भी वो प्राइम होता है, ये बात समझ आई। और इसका इंडिविजुअल हर डिजिट भी प्राइम होता है, ये बात समझ आई। तो ये स्पेशल प्राइम है क्यों, 9 की वजह से नहीं है, ये बात समझ आई ठीक है। बट अगर 9 ना होता यहां पर, लेट्स से यहां पर भी 7 लिखा होता तो मैं नहीं पता था ठीक है, तो लेट्स से यहां पर भी मैं 7 कर देता हूं, 3 कर देता हूं, समझ गए। तो यहां पे मैं लेट्स से 3 कर देता हूं ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे बताना है कि ये प्राइम है या नहीं है, ये स्पेशल प्राइम है या नहीं ठीक है। अच्छा, अब आप जब भी इस तरह के प्रोग्राम पे काम करना शुरू करें तो पहली चीज जो तुम्हें आपको पूछनी चाहिए, और ये मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज अ टेक्निक विच यू हैव टू लर्न, और वो ये है कि आप सोचें कि आपको कौन कौन से अलग अलग मॉड्यूल्स चाहिए। ओके, यानी अगर आपको बड़ा प्रोग्राम बनाना हो जिस तरह ये बनाने लगे हैं, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपके ख्याल में मुझे कौन कौन से सब पार्ट्स चाहिए, अगर वो सब पार्ट्स मैं कर लूं तो मैं वो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। आपको समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूं ठीक है। सो काइंडली मुझे हेल्प करें कि आपके ख्याल में कौन कौन से सब पार्ट्स मुझे चाहिए होंगे। डू यू अग्री कि एक मुझे फंक्शन चाहिए जिसका नाम होना चाहिए इज प्राइम ठीक है, जिसको ऑफकोर्स एक नंबर पास हो एन, और ये उसके बारे में बूलियन इंफॉर्मेशन दे, क्या कि वो प्राइम है या नहीं है, ये बात समझ आई। और क्या चाहिए? अच्छा, डू यू अग्री, रोटेशन भी करनी होगी, लेकिन आई थिंक एक और मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो है क्या, डिजिट सेपरेशन, आई डोंट नो, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये मुझे क्यों चाहिए? सॉरी, शाबाश, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये बात समझ आई। क्योंकि ये फंक्शन मुझे इसलिए चाहिए जो बेसिकली बता सके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, क्योंकि बेसिकली उतनी दफा रोटेशन होनी है। डू यू अग्री? ठीक है, गुड। और क्या चाहिए जी? एक और फंक्शन चाहिए जिसका नाम होना चाहिए एंड, और उसका नाम है लेट्स से रोटेट, रोटेट, लेट्स से हम रोटेट लेफ्ट करते हैं ठीक है। अच्छा, डू यू अग्री के इस प्राइम की रिटर्न टाइप बूल होनी चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स की रिटर्न टाइप इंट होनी चाहिए, और रोटेट लेफ्ट जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी रिटर्न टाइप इंट होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसे बेसिकली क्या करना है उसको, लेट से अगर मैं इसको कहूं रोटेट लेफ्ट करे तो एक्चुअली ये नंबर होना चाहिए 1737 और 3 वहां पर आ जाना चाहिए। डू यू अग्री? ठीक है, ऑलराइट, सो रोटेट लेफ्ट कर लिया हमने ठीक है। अगर यह मॉड्यूल हम बना लें, अगर यह मॉड्यूल हम बना लें ठीक है, अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन अगर हम बना लें तो अगर मैं आपको कहूं कि अब आप प्रोग्राम लिखे यूजिंग दीज फंक्शंस, लेट्स से ये इंप्लीमेंटेशन आपको मिली हुई है, तो आप कैसे बनाएंगे? सो व्हाट शुड बी द प्रोग्राम? द प्रोग्राम शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि पहला काम यह कि हम एक इंटीजर एन बनाते हैं ठीक है, सीन करते हैं एन को ठीक है, उसके बाद करें, शाबाश, सबसे पहले चेक करें कि ये खुद प्राइम है या नहीं है। सो इफ इज प्राइम ठीक है, अगर इज प्राइम ट्रू रिटर्न कर दे तो फिर हमें कुछ चेक करना है, अदरवाइज हम क्या चेक कर सकते हैं, थोड़ा नहीं बता सकते हैं, क्या के सी आउट कर दें इट इज नॉट ए स्पेशल प्राइम वगैरह वगैरह। डू यू अग्री? अभी तक यू अग्री विद दिस? ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, गिवन के ये इंप्लीमेंटेशंस पड़ी हुई है, इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कंकर। ओके, दिस इज ए फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको यह बनाना आता है, यह बनाना आता है, तो आप फंडामेंटल क्लियर कर चुके हैं।
अगर आपको प्रोग्राम को स्टेप्स में ब्रेक करना आता है, ठीक है, और आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि यार ये पार्ट अलग एक फंक्शन होगा, ये पार्ट एक अलग फंक्शन होगा, इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग की स्टेप वन पे आ चुके हुए हैं, ओके। और अगर आपको ये नहीं आता ना तो सब कुछ खत्म हो गया बात, क्योंकि प्रोग्रामिंग शुरू यहां से होती है। लूप है, फलाना है, इफ है, कंडीशन है, यह प्रोग्रामिंग नहीं होती। प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि आपको यह करना आ गया या नहीं आ गया, क्या आप ये स्टेप्स फिगर आउट कर सकते हैं कि ये स्टेप होना चाहिए, फिर ये स्टेप होना चाहिए, फिर ये स्टेप होना चाहिए, फिर ये स्टेप होना चाहिए। अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीख गए तो इसका मतलब आपको प्रोग्रामिंग आ गई है, आपकी प्रोग्रामिंग की पहले स्टेप पर आप आ चुके हुए हैं। एंड दैट्स नॉट ए स्मॉल स्टेप, ओके, दैट्स ए ह्यूज स्टेप, ओके, जो कि आपके पूरे फाइनल एग्जाम में मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपके फाइनल एग्जाम के अंदर जो मैंने चीज देखी उसमें से आपके जो बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने थे आपको, आप में से किसी ने भी फंक्शन यूज नहीं किए हुए थे, जो कि बड़ी सैड बात है, ठीक है, हार्डली एक दो ने यूज किया होता, जो कि सही बात नहीं थी, ठीक है। आपको क्या डिवाइड, यानी बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स वाला सवाल था, क्या आपने फंक्शंस में डिवाइड किया या बस आप अन्य वाले लूप्स लगाते गए, ठीक है, रैबो लगाते गए तो फिर आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करें, ठीक है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रेड फॉर द टीचर एज वेल, ठीक है। यानी अगर आपका फ्लो क्लियर है तो आपको 60-70% नंबर पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो अगर वो प्राइम है तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि आई थिंक सबसे पहले मुझे फिगर आउट करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, क्यों, सॉरी, ताकि उतने की उतनी रोटेशन हो सके, ऐसी है, उतनी क्या हो सके, रोटेशन हो सके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। सो एनओआई कर लेते हैं, एनओआई का मतलब नंबर ऑफ इटरेशंस, ओके, और इसकी वैल्यू मैं कैसे एनालाइज करूंगा, नंबर ऑफ किससे, डी से, और ये मैं पैरामीटर में यहां पास करूंगा और ये मुझे बता देगा क्या कि मैंने कितने का लूप लगाना है, ओके, कितनी दफा मैंने क्या करनी है, रोटेशंस करनी है। डज इट मेक सेंस? सो व्हाट शुड आई डू नाउ, आई एम गोइंग टू से फॉर लूप, ठीक है, आई इज इक्वल टू वन, I is less than or equal to number of digits, number of iterations, I plus plus, ठीक है, ठीक है जी, अब बोले क्या करना है, ऑल राइट जी, तो यहां पर लिख देते हैं बूल इज स्पेशल प्राइम इज इक्वल टू क्या, ठीक है। सर ये बात आपको मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज इस पे हम पास फेल करते हैं, वो आपको बताता हूं क्या चीज होती है। ये जो वेरिएबल है जिसमें मैं स्टोर करना चाहता हूं क्या, कि जो मैंने नंबर है वो स्पेशल है या नहीं है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना है एक नंबर है जो प्राइम है या नहीं है, ओके, तो जो लूप के अंदर कंडीशन लगनी है वो क्या होनी चाहिए, दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नंबर की प्राइमलिटी चेक कर रहे हैं तो प्राइमलिटी चेक करने के लिए लूप के अंदर आपने क्या लिखा था कि अगर वो डिवाइड हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, इस प्राइम को क्या कह देते हैं, फॉर नेम फॉल्स कह देते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। क्या ये कंडीशन आप फिगर आउट कर सकते हैं, अगर आप ये कंडीशन फिगर आउट नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपको लूप की भी बेसिक्स का नहीं पता, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। ये मैंने ट्रू क्यों असाइन किया, मैंने फॉल्स क्यों असाइन कर दिया, क्योंकि लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, वेरी गुड, बेसिकली मैं करूंगा कि मैंने बेसिकली रोटेट करना है, रोटेट करने के बाद से चेक करना है कि क्या वो प्राइम है या नहीं, अगर वो प्राइम ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉल्स कर दूंगा, ये बात समझना, और अगर वो कंडीशन एक दफा भी नहीं चले तो क्या होगा, तो ये जो ट्रू है वो ट्रू का ट्रू ही रहेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लूप्स के अंदर लॉजिक बिल्डिंग की टेक्निक है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज है जो वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रखूं और किसकी बेस में फॉरन डिसाइड कर सकता हूं, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, वेरी गुड जी। ऑलराइट, अब क्या होना चाहिए, सो आई एम गोइंग टू से जी
एन इज इक्वल टू क्या, रोटेट लेफ्ट, इसमें हम एन पांच कर देंगे और अगर करेंगे हम चेक करेंगे क्या अब जो मेरा नया एन है उसका इस प्राइम क्या है। ठीक है, अगर वो फॉल्स आ जाए, आई होप ये सब कुछ पता लग गया मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है इस प्राइम नॉट, व्हाट इज इस प्राइम नॉट, कि वो प्राइम नहीं निकला। अगर वो प्राइम नहीं निकला तो क्या होगा, मैं कर दूंगा क्या, मैं कर दूंगा इज स्पेशल प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, फॉल्स। ठीक है, और इस जगह मैं जाके लिखूंगा इफ, जी क्या बता, इफ नॉट इज प्राइम, जी तो इस पर मुझे क्या करना चाहिए, इस पर मुझे क्या सी आउट करना चाहिए और एल्स में मुझे क्या सी आउट करना चाहिए, जी अगर नॉट पे मुझे कहना चाहिए कि ये प्राइम नहीं है, इसमें तो प्राइम नहीं है, और इसके एल्स में मुझे क्या आउट करना चाहिए कि ये प्राइम है। Doesn't make sense? ठीक है, am I done with my coding? Am I done with my coding? No, why? Sorry? बिल्कुल, अभी तक मैंने ये फंक्शन नहीं लिखा, ये फंक्शन नहीं लिखा, ये फंक्शन नहीं लिखा। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, ये हम पहले लिखते हैं और उसके बाद में ये कोड लिखूंगा। ठीक है, सो फार सो गुड, गुड। चलें जी, यहां आते हैं, बूल इज प्राइम, ये सबको नजर आ रहा है, लास्ट रो अब बाहर नजर आ रहा है। ठीक है जी, क्या करेंगे बेटा बताएं, इफ एन इज क्या, हाँ लेस देन वन, सॉरी यस, ठीक है, इफ एन इज डबल इक्वल टू, इफ एन इज लेस देन टू तो फिर तो मुझे वैसे ही रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए। ठीक है, और आपको भी थोड़ी देर में एक झटका लगना है कि एक गलती आनी है हमारी, देखते हैं आप फिगर आउट कर सकते हैं। जी तो हम करेंगे, जी क्या करें, जी फॉर लूप इंटीजर डी इज इक्वल टू टू, डी इज लेस देन क्या होगा, एन डी प्लस प्लस। ठीक है, इक्वल टू क्यों आएगा भाई, लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, सो इफ एन मॉड डी डबल इक्वल टू जीरो तो इसके हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और यहां पे रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि यहां पे मैं रिटर्न फॉल्स कर रहा हूं, इसके एल्स में रिटर्न ट्रू क्यों नहीं कर देता, सॉरी यानी मैं यहां पे कर दूं तो क्या मसला है, बढ़िया होता है, यानी अगर मैं यहां कर दूं, अगर मैं यहां कर दूं, अगर मैं यहां पे else return true कर दूं तो मसला क्या है, क्या मतलब, सो नाइन के केस में वो क्या रिटर्न करेगा, नाइन के केस में वो क्या कह देगा, क्यों true कह देगा, क्योंकि नाइन मॉड टू इज डबल इक्वल टू जीरो तो नहीं है, तो उसने else में जाएगा और else में वो रिटर्न ट्रू कर देता है, और रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है कि भाई फंक्शन से बाहर निकल जाओ, और बाहर निकलते हुए क्या ले लेना, ट्रू ले लेना। ये बात समझ आ गई, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां पे नहीं आ सकती, अगर आपने ये स्टेटमेंट लगाई है इसका मतलब है आपको नहीं पता फंक्शन कैसे काम करता है। ओके राइट, बिकॉज फंक्शन पूरी एग्जीक्यूशन नहीं करता, बल्कि जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आती है वो निकल जाता है बस। ठीक है, तो ये रिटर्न ट्रू से कहां करना चाहिए, जब एक दफा भी डिवाइड करने में कामयाब नहीं हुआ, जब एक दफा भी डिवाइड करने में कामयाब नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि वो प्राइम है। ठीक है, गुड, सो वी आर हियर, सबसे पहले तो हमें जब जैसे ही आप एक मॉड्यूल बना से चेक करें, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं क्या,
कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ओके, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज द फॉलोइंग टेस्टिंग. क्या आप कहते हैं ये मैंने मॉड्यूल लिखा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं लिख चुका हूं, अब मुझे चेक करना है कि ये ठीक भी चल रहा है या नहीं चल रहा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर को चेक करता हूं कि ठीक है या नहीं है. तो मैं करूंगा क्या, इज प्राइम. ओके, सी आउट. ठीक है, और यहां पे मैं लेट्स से 5 भेजता हूं. इस पे क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए. तो लेट्स चेक. जी, तो ट्रू की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि बिल्कुल ठीक है. तो क्या टेस्टिंग मेरी हो गई? नहीं हुई. ठीक है, क्यों टेस्टिंग नहीं हुई? क्योंकि मुझे अभी तक कुछ वैल्यूज को अभी ट्रैक करना है. तो लेट्स से मैं 9 लिखता हूं. तो फिर मैंने दोबारा चलाया, तो 9 तो क्या आया, 0. ओके, ठीक है, अगर मैं 2 पे चेक करूं तो क्या होता है? 2 पे क्या आया मेरा, 1 आया, जो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, एक तो और भी चेक कर लेते हैं, 1 पे क्या आता है, सॉरी ये क्या हुआ, हाँ वायरस लगी है. ठीक है, ठीक है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक आ गया. ठीक है, अच्छा जी, इधर आ जाए. इसका मतलब हमारा इज प्राइम तो ठीक हो गया. ठीक है, अब हम कहां चलते हैं, अपने दूसरे फंक्शन पे चलते हैं. दूसरा फंक्शन कौन सा, नंबर ऑफ डिजिट निकालने वाला. तो यह करता है, हाँ जी बताएं, इंट नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, इंटीजर एन, क्या करना चाहिए इसको, जी इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0. जी वाइल, यही तुम्हारा कोई मसला है साथ, एच के साथ, वाइल, हाँ जी बताएं, एन इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करो, काउंट प्लस प्लस. ठीक है, और यहां करेंगे, यहां कर देंगे रिटर्न काउंट. ठीक है, सबसे पहला काम इसको टेस्ट करना. ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं, टेस्ट करते हैं. एक मिनट, ओहो एक मिनट, डोंट फॉरगेट दैट, अभी एक और झटका भी लगने वाला है. n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10. ठीक है जी, मुझे बताएं जी, नंबर ऑफ डीज, इसमें अगर मैं लिखता हूं 100, तो कितने डीज आने चाहिए, 3 आना चाहिए. तो 3 आ गया. ठीक है, एक और चीज देखते हैं, व्हाट इफ के मैं यहां पे लिख दूं 55, कितना आना चाहिए, 2 आ गया. ठीक है, अच्छा अगर मैं लिख दूं 5, क्या आंसर आया, 1 आया. ठीक है, बट अगर मैं लिख दूं 0, तो क्या आंसर आना चाहिए, 1. आंसर क्या है, 0. कैन यू सी ए प्रॉब्लम, हाँ, तो कैन यू सी ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, सॉरी, एक्सलेंट. ठीक है, द फिक्स टू दिस इज कि अगर वो नंबर है ही 0, तो फिर हमें एक्चुअली इसको फिर एक दफा से चलना चाहिए. ये बात भाई, हाँ अगर एन अगर नंबर 0 नहीं है, तो फिर इसको फिर ये जब 0 होगा तो हम उसे रोक देंगे. ये बात समझ आई, तो एक्चुअली यहां पे लगना चाहिए डू वाइल. ठीक है, क्या इसका कोई और फिक्स है, जी इसका कोई और फिक्स है, शाबाश. ये अगर और फिक्स हमारा क्या है कि अगर n इज इक्वल टू अगर 0 है, तो फिर वो हम रिटर्न 1 कर देंगे, अदरवाइज वो वाइल लूप फिर ठीक चल रहा है. ये बात समझ आई, ठीक है. ये जो हमने बेटा टेस्टिंग की है ना, ये यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे जमाने में जब माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज हुआ करते थे,
तो जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता था वो एग्जैक्टली होता ही यही था। मतलब देखिए, एक फंक्शन बनाया गया, वो एक छोटा सा फंक्शन बनाने को देते थे, कोई भी छोटा सा फंक्शन होता, और उन्हें कहते चलो इसकी टेस्टिंग करो। ओके और अगर आप टेस्टिंग, और टेस्टिंग का मतलब यह है कि आपने उसकी एक एक चीज चेक करनी, ये इनपुट आया तो क्या होगा, ये इनपुट आया तो क्या होगा, ये इनपुट आया तो क्या होगा, देखिए इसके कितने टेस्ट केसेस आपके इनफ होंगे। दैट्स समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट इट। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? गुड जी, आप बताएं। लेट्स से मैं जीरो लगाता हूं, जीरो का मतलब है क्या होगा, वो अब आएगा इसके अंदर, जीरो डिवाइड बाय टेन कितना होता है, जीरो ही होता है, काउंट में वो प्रोसेस कर देगा और फिर जाके वो एन की वैल्यू चेक करेगा, ये बात समझ। लेकिन अगर एन की वैल्यू लेट्स से फाइव है तो फिर वो फाइव डिवाइड बाय टेन करेगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन काउंट में वो इंक्रीमेंट भी करेगा, वन आ जाएगा, ये बात समझ। और अगर 99 हुआ तो पहली दफा वो आएगा, 99 डिवाइड बाय 10 होगा तो 9 आ जाएगा, और फिर अगली दफा 9 डिवाइड बाय 10 होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में ठीक चल रहा है, ये बात समझ। और अगर आप डू वाइल नहीं लगाते तो आपको इफ लगाना पड़ता, कि अगर वो 0 है तो वो फिर भी, वो फिर भी वो 1 रिटर्न करे, ये बात समझ में ठीक है। ऑलराइट, अब क्या होना चाहिए, एंड रोटेट लेफ्ट, ठीक है, एंड एन, ठीक है। ऑलराइट, तो रोटेट लेफ्ट कैसे करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो रोटेट लेफ्ट करने के लिए क्या करें बताएं मुझे जी, रोटेट लेफ्ट करने के लिए क्या करें जी। ये है जी आपका रोटेट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट का मतलब ये बताएं जी मुझे। तो बेसिकली रोटेट लेफ्ट करने का मतलब ये है कि सबसे पहला काम मुझे ये थ्री उड़ाना है यहां से, मुझे ये थ्री उड़ाना है यहां से जी। ये थ्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन मॉड से नहीं होगा, एन मॉड टेन निकाले, अगर एन मॉड टेन निकालेगा तो सेवन निकलेगा क्या? ओ खुदा दा खौफ करे यार, की कह रहे हैं एन मॉड, दोबारा बता, नहीं नंबर ऑफ डिजिट कितना लोग, ओए ओए तू चुप नहीं हो सकता, बोतल वाला क्या नाम तुम्हारा, हाँ बिलाल, तुम्हारी आवाज ना है मुझे, तुम्हारी आवाज ना है मुझे, अब समझाए बस। हाँ जी बताएं क्या करें, चले मैं छोटा सा नंबर थोड़ा छोटा कर देता हूं, लेट्स से ये नंबर होता 737, यानी लेट्स से 173 कर देते, 173 कर देते, तो मुझे 1 चाहिए, पावर शाबाश, अब तुम ठीक है। सो एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स पर मुझे कैलकुलेट करने चाहिए, फिर उसकी 10 की पावर लेनी चाहिए, ठीक है, और वो जो नंबर बनता है ठीक है उससे उससे मुझे इसको मॉड लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 173 है तो मुझे 100 से डिवाइड से डिवाइड करना चाहिए, मॉड नहीं डिवाइड करना चाहिए, और डिवाइड करेंगे तो मुझे क्वेश्चन जो मिलेगा वो मेरा आखिरी डिजिट होगा। आपको ये बात समझ आई, ठीक है। ऑलराइट, ये बात जो अभी हमने की है, ये बात जो अभी हमने की है, इसके नतीजे में फौरन आपको जहन में एक बात आनी चाहिए कि एक फंक्शन मुझे और चाहिए, कौन सा चाहिए, शाबाश, एक फंक्शन मुझे और चाहिए, इसका नाम होना चाहिए क्या, पावर, पावर, ठीक है, जिसको क्या पास हो रहा है, एन पास हो रहा है, और ऑफ कोर्स एक एन नहीं होगा या कोई भी होगा, लेट से ए होगा और बी होगा, और ये क्या कंप्यूट करेगा, ये ए की पावर बी कंप्यूट करेगा। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंड कि मुझे पावर निकालनी है, ये बात समझाई, मैं ये नहीं समझाई, ठीक है। तो पावर फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, सो पावर फंक्शन बना देते, एंट पावर इंटीजर ए इंटीजर के, ठीक है, ए टू द पावर के निकालनी है मैंने, तो मैं इंटीजर रिजल्ट बनाता हूं, उसकी वैल्यू क्या रखूं, जीरो रखते हैं, चले रख सकते हैं, और एक में खामोश 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 खामोश, और मैं कहता हूं जी मैंने, क्योंकि मैंने एक्यूमुलेशन करनी है तो मैं करूंगा फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन के और इक्वल टू के, क्योंकि मुझे के टाइम इसमें एक्यूमुलेट करना है, और आई प्लस प्लस,
और जी एक्यूमुलेट इसमें करना है आर ई में, और इसको होना चाहिए आर ई मल्टीप्लाई बाय ऑफकोर्स ए, ठीक है। और यहां करते हैं रिटर्न आर ई, ठीक है। सो लेट्स चेक। अच्छा बाय द वे अब ये नहीं चलाना देगा मुझे, क्योंकि यहां पर मैंने एम ए कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हर फंक्शन की रिटर्न टाइप जो अगर जो लिखते हैं वो आपको लिखनी जरूरी होती है, तो अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये एरर देना शुरू कर देगा फंक्शन, आपने इसमें कुछ रिटर्न नहीं किया रोटेट एल्स के अंदर। तो इधर आते हैं चेक करते हैं जी, क्या पावर 5 to the power 2 कितना होता है जी 25, और ये देखें जी आंसर क्या आता है, आंसर आता है 0। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप याद रखें, अगर आप मल्टीप्लीकेशन इक्यूमुलेट कर रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लीकेशन इक्यूमुलेट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड एरर, तो आपका रिजल्ट में हमेशा शुरू में पहले क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर आप समेशन इक्यूमुलेट कर रहे हैं तो रिजल्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, और अब हमने इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा 25 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमारा पावर बन गया। नाउ आई कम टू रोटेट एल्स, ओके। पहला काम यह है कि मैं नंबर ऑफ डिजिट्स कंप्यूट करता हूं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, हां जी बताएं क्या फंक्शन का नाम था हमारे, नंबर ऑफ डीज था ना, नाम होते हैं डीज काउंट, और यहां रहते हैं नंबर ऑफ डिजिट, इसको मैन भेज देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब मुझे दो चीजें करनी है, और पहला काम यह है कि मुझे ये ऊपर वाला एग्जांपल देख लें, 173 है, उसमें से 1 को अलग करना है, और बाद में सिर्फ 1 को अलग नहीं करना, 73 को भी अलग करना है, 73 को भी अलग करना है, क्योंकि 73 को अलग करने के बाद मुझे क्या करना है, उसे उसके इस तरफ मुझे 1 लगाना है, ये बात समझ। बट 73 कैसे आएगा, या 300 173 होता तो मुझे 3 आ चाहिए था, ठीक है ना। तो अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन आएगा, और अगर मुझे ये वाले 3 डिजिट चाहिए तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, ये बात समझ आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, डिवाइडर निकाल लेते हैं, और वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा पावर, हाँ जी बताएं बेटा, 10 की पावर कितनी निकालनी मैंने, डीज काउंट निकालने, ठीक है। और फिर करना है बेटा मैंने जी, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं रिमाइंडर निकाल लेते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, एन मॉड डेव, ठीक है। और हम आखिरी लास्ट डिजिट भी निकाल लेते हैं, सो एंट जी लास्ट डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय क्या, डेव, ठीक होगी बात, ये बात समझ आगे। और कोशिश करें इनके लिए अलग अलग वेरिएबल ही यूज करें, ठीक है, बाद में जाके अपडेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यही वैल्यू दोबारा से एन को असाइन कर दी तो तबाही फिर जाएगी। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई, क्योंकि अगर एन को बराबर कर दिया तो क्या मसला हुआ, वो नंबर श्रिंक हो जाएगा, आपको वो नंबर जो है वो लॉस्ट हो चुका होगा, ये बात समझ नहीं, मैंने क्या बात की। तो उसके बाद एक काम करें यार, अपने मोबाइल बंद कर दें जी, क्या करूं मैं, अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे जो रिमाइंडर निकला है जो कि हमारा यहां पे क्या है बेटा, तो लेट्स से अगर मैं कहूं मेरे पास 4 डिजिट नंबर है, तो मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं बेटा, क्या क्या आई हैं, ये 3 पड़ा हुआ है किसके अंदर, लास्ट डिजिट के अंदर, और ये पड़ा हुआ है किसके अंदर, रिमाइंडर के अंदर। तो मुझे 173 को लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब है एक्चुअली 1730, ये कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बटन कर देते हैं, तो एक्चुअली मेरा जो नया एन होगा वो होगा किसके बराबर, वो होगा रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय 10 जी, प्लस क्या कर दें, एल डी, ये बात सुनाई, और रिटर्न क्या करें, एन कर दें, ये बात सुनाई, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अब एक और बात सुने, फंक्शंस के अंदर जो हम पैरामीटर पास करते हैं, जो पैरामीटर रिसीव किया मैंने उसी को अपडेट कर दिया है ना, एन इज इक्वल टू ये कर दिया, और वो एन रिटर्न करवा दिया, ये बात सुनाई। अच्छा, आपने वहां पर जो आर्गुमेंट भेजा होगा जहां पे आप या कॉल करेंगे, ठीक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, यानी अगर आप इसको अपडेट करेंगे तो वो जो जो आपने जहां से कॉल किया है वो वाला वेरिएबल चेंज नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
जैसे कहते हैं पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यूज, ओके। और वैल्यूज का मतलब क्योंकि आप एक्चुअली जो वहां से भेज रहे हैं वो वेरिएबल नहीं भेज रहे, बल्कि क्या भेज रहे हैं, उसकी वैल्यूज भेज रहे हैं। क्योंकि आपने जब आर्गुमेंट्स भेजे थे तो आर्गुमेंट्स में वेरिएबल नहीं जा रहे थे, बल्कि क्या जा रहे थे, उनकी वैल्यूज जा रही थी। ये बात समझ आई, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने ट्यूटोरियल्स बना लिया, अब क्या करेंगे। सो वी आर एक्चुअली डन, राइट, हमने ये चारों फंक्शन बना लिए, ऐसे ही है। अब अपना फंक्शन लिखते हैं, अब हम एक्चुअली अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। यार उस्मान कहो यार मेरे से आगे सुनेंगे, फिर यार तुम्हें तमीज ही नहीं है, आप लोग बैठोगे जी। इंटीजर एन, सी एन एन, सी आउट, ठीक है। बताओ क्या करें, एफ इज प्राइम, और मैं आपको बता रहा हूं हमारा आंसर गलत आने वाला है। लेट्स सी कि आपको पता लगता है नहीं लगता। एल्स अगर इस प्राइम, अच्छा बाय द वे इधर अगर आ जाता है तो हम पहले कह देंगे, क्या कह देंगे बेटा। सो इट इज ऑफ कोर्स नॉट ए स्पेशल प्राइम, ठीक है, ठीक है। आओ इधर आते, हमने क्या करना है बताएं, क्या करें, सॉरी जी। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर लूप, सॉरी, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशंस कर देते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, और यहां कर देते हैं क्या n, ठीक है। और क्या करें बेटा, एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिसेस और i प्लस प्लस, ठीक है। और आपको याद होगा हमने एक बूल बनाया था, इज स्पेशल प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एफ, हां जी बताएं, एफ नहीं, सबसे पहले हम रोटेट करते हैं। सो n इज इक्वल टू, बताएं बेटा क्या कह रहे हैं, रोटेट लेफ्ट और यहां पे n भेज देते हैं, ठीक है। और हमें करेंगे f n इज प्राइम, ठीक है और यहां पे हम n भेज देते हैं। अगर प्राइम है या प्राइम नहीं है, अगर प्राइम नहीं है तो हम कह देंगे इज एस पी प्राइम इज इक्वल टू क्या, फॉल्स। और अगर वो लूप से बाहर आ जाता है, और बाहर आके हम चेक करेंगे एफ क्या बेटा, इज स्पेशल प्राइम अगर ट्रू है तो हम सी आउट कर देंगे क्या जी, आप बताएं क्या करेंगे। मसला यह कि वो होता रोटेट हुआ है ना, रोटेट हुआ। बाय द वे एक छोटा सा बात, थोड़ा सा एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से कि अगर मैं कहता हूं मेरा नंबर है ये, जिस एक, दो डिजिट नंबर ऐसा बताएं जो कि स्पेशल प्राइम 17 कर देता, ठीक है। तो इसको बेटा अगर मैं एक दफा रोटेट करूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 71। दूसरी दफा रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 17, यानी कि वो नंबर वापस आ जाएगा, ऐसे ही है। यानी अगर मैं जितनी डिजिट्स हैं उतनी दफा से रोटेट करूंगा तो क्या होगा, वही नंबर वापस आ जाएगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस, तो इसका मतलब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर मैं एन को यूज करूं, मतलब यहां पे मैं एन लिख दूं और मैं लिख दूं इज ए स्पेशल प्राइम, ठीक है, और यहां पे मैं एल्स लिखूंगा और यहां पर लिखूंगा सी आउट, यहां पर मैं एन लिखूंगा, ठीक है, यहां क्या लिखूंगा इज नॉट ए स्पेशल प्राइम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं और इसको इनपुट में 17 ही पास करते हैं, ठीक है, कंट्रोल फंक्शन F5, ठीक है, 17 इज दिस स्पेशल प्राइम है, अभी तो देखा, सॉरी 17 00 क्यों आ रहा है, क्या गलती हुई है,
एक मिनट फॉर्मोस्ट प्लीज, यहां ले लेंगे एन, एन इज नॉट ए स्पेसिफिक प्राइम, ठीक है, कंट्रोल है 5 17, ये 100 क्यों आ रहा है? हाँ जी बताए क्यों? अच्छा भैया, आपको समझ में आया क्या बात किससे? ठीक है, तो हमने जो पावर ली हुई है वो हमने गलती भी है, यहां पे होना चाहिए क्या -1। शाबाश, थैंक यू सो मच। 17 इज अ स्पेशल प्राइम, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताइए, इज जी बताए बेटा, अगर आपने आपका 578 है तो 578 का आखिरी डिजिट लेने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो 100 आता है 10^2, नॉट 3। ये बात सुनाई? तो हमने गलत किया होता, वो हमने नंबर ऑफ डिजिट से किया होता, उसे एक कम होना चाहिए था, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छा एक चीज रह गई है इसमें चेक होना, क्या हर डिजिट जो होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए, है ना, हर डिजिट जो होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए, उसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? अगर वो मैं डालूंगा ना तो गलत हो जाएगा, वन प्राइम नहीं होता, है ना, ये समझ में आई बात? That's a problem, ठीक है, बट खैर आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ओवरऑल आइडिया क्या है, ठीक है। वैसे आई प्रेफर कि ये जो मैंने सब कुछ लिखा है, ये एक्चुअली एक अलग फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और उसका नाम होना चाहिए क्या? वॉइड नहीं, बूल इज प्राइम, इज स्पेशल प्राइम, ठीक है, इंटीजर एन एज ए पैरामीटर पास हो, और एक्चुअली आप बताएं क्या चेंजेस करेंगे हम? ये मैंने सारा कोड आपके सामने लिख दिया, क्या करेंगे? ये जहां जहां पे सी आउट करें वहां सी आउट नहीं करना, ये बात समझ नहीं? ठीक है, ऑल राइट। तो बेसिकली यहां होना ये चाहिए कि ये जो इसने सारा काम किया यहां पे एक्चुअली रिटर्न इज SP प्राइम कर देना चाहिए, और यहां क्या करना चाहिए, रिटर्न क्या कर देना चाहिए? फॉल्स कर देना चाहिए, यानी वो अगर नंबर ही प्राइम नहीं है तो उसे फॉरन ही रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ठीक है, आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, एक और बात, क्या नहीं बड़ी गेस्ट, मैं कुछ बताने लगा, कैन एनी बडी गैस समथिंग आई एम अबाउट टू टेल? जी चले मैं बताता हूं, वो इसी फंक्शन की बात होगी। चले मैं एक और बात बताता हूं, आई एम अबाउट टू मेक इट ए लिटिल बिट मोर एफिशिएंट, ए लिटिल बिट, किसके मोबाइल है देना, मोबाइल फेंको, मोबाइल फेंको, फेंको फेंको मन झटो फेंको फेंको। हाँ जी मोबाइल बंद कर लें। हाँ जी चलिए मैं आपको एक और हिट देता हूं, ये देख, ये आपको याद है मैंने इज प्राइम लिखा था, है ना, ये जो मैंने इज प्राइम की इंप्लीमेंटेशन लिखी है, दैट्स एक्चुअली अ लिटिल बिट, दैट्स इसमें मैं कुछ कर रहा हूं जो मैं वहां नहीं कर रहा,
शाबाश, क्या नाम है बेटा आपका? एक्सेलेंट फातिमा, ये बात सुन रही फातिमा, क्या बात की? यहां पर जब वो एक दफा डिवाइड हो जाता है तो हम फौरन ही क्या कर देते हैं, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। याद है हमने कल की जो इंप्लीमेंटेशन की थी उसमें यहां पे एक बूलियन को फॉल्स किया था, है ना? और वो बूलियन फिर भी बेचारा चलता रहता है। एक्चुअली इसको नहीं चलना चाहिए, एक्चुअली इसको नहीं चलना चाहिए, ये बात समझ में आई? तो मैं कल की इंप्लीमेंटेशन जाकर देखूंगा वो थोड़ी सी इनएफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन थी, क्योंकि वो अगर डिवाइड हो जाता तो उसके बाद अगली डिवीजन चेक नहीं करना चाहिए उसको, है ना? ये बात समझ में आई? तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये फौरन ही कहता भाई निकल अब यहां से, अगली डिवीजन करने की जरूरत नहीं है जब तू एक डिवीजन कर चुका हुआ है और वो हो चुकी है। सिमिलर टू दिस, यहां पर भी गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? यहां पर आप जब एक नंबर को रोटेट करते हैं और रोटेट करके आपको पता लग जाता है कि वो प्राइम नहीं है, तो व्हाट शुड यू डू? यू शुड इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स। एक्चुअली आपको इस बूल की अब जरूरत नहीं है। एक्चुअली यू शुड इमीडिएटली रिटर्न व्हाट? रिटर्न फॉल्स। और यहां पर आने का मतलब ही क्या है कि वो एक दफा भी उसी में नहीं गया, इसका मतलब है वो हर दफा प्राइम ही था, जिसका मतलब है यहां से क्या करना चाहिए, रिटर्न नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में ठीक है? होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? सो फार सो गुड, ठीक है? दीज थिंग्स आर स्मॉल थिंग्स बट इट मैटर्स अ लॉट, ओके? ठीक है? There are other things as well which matters a lot, but these are fundamentals. Okay, and you should know about them. Okay? All right? Good. But of course, अब आपका main बहुत ही simple हो जाएगा। क्यों simple हो जाएगा? कि यहाँ पे basically आपने सिर्फ ये देखना है। If क्या बड़ा? Is special prime? यहाँ पे आप लिखेंगे n, ठीक है? यहाँ पर एक message होगा। ठीक है? और एल्स यहां पर एक मैसेज होगा, ठीक है? यू आर डन। डज मेक सेंस? डज मेक सेंस? ठीक है? सो फार सो गुड, ठीक है? कोई इशू? नो? एक्सेलेंट। ऑल राइट, आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ राइटिंग फंक्शन, ठीक है? कि फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं और फंक्शंस की कैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जाती है। क्योंकि बेटा एक बात याद रखिए, जब भी आप फंक्शंस वाले प्रोग्राम लिखने लगेंगे तो आपको फौरन से पहले उस फंक्शन को चेक करना है, ठीक है? कि वो काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बात सुन रहे? क्योंकि अगर आप उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन? देखो एक बात सुनो, हमने अपने तमाम मॉड्यूल्स की टेस्टिंग की, सिर्फ एक की टेस्टिंग नहीं की थी, रोटेट लेफ्ट, उसी में एरर था, ये बात सुनाए? ठीक है? सो टेस्टिंग इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप मॉड्यूल लिखे उसे फौरन से पहले टेस्ट कर, ठीक है? कि वो प्रोग्राम अपनी तमाम चीजों पर ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? सो एक्चुअली आपकी जो ओवरऑल स्कीम है उसमें बहुत सारे एरर रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? एरर फिर भी आ सकते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके? अब छोटी सी देख दो बातें जो मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है? सो लेट्स से सी आउट एन इज ए स्पेशल प्राइम, ठीक है? Is not a special prime, ठीक है? ठीक है? Please आंखें बंद करें, heads down, please, heads down, heads down, please, heads down, heads down, heads down, heads down.
ऑल राइट, हेड्स अप जी। ऑल राइट, सो हमने एक प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम को मैं आपको समझ चलाता हूँ, और इसमें ये और ये ठीक नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इसमें कुछ एरर डाले, ठीक है। एंड व्हाट डू वी वांट टू डिबगिंग, ठीक है। ऑल राइट, सो हाउ टू डिबग, ठीक है। तो हम इसे चलाते हैं अगेन। 17 इज नॉट अ स्पेशल प्राइम, although it is, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चले जी आगे चलते, ठीक है। ऑल राइट, यहां आगे, ठीक है। इसको मैं डिबगिंग करता हूं, F5 N ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है N में क्या वाली बैंड रखी है, पीछे नजर आ रहा है बेटा, नजर आ रहा है नहीं आ रहा। हम तुम्हारी पैंटी लगाऊं और कुछ भी नहीं यार, कहां पे आपको करते थे चेंज, टूल ऑप्शन, यहां पे होता फॉन्ट एंड कलर, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे है ये, इसका फॉन्ट बढ़ा के कितना करना था, 16 कर देते, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा, तो इसको अप्लाई करने के लिए मुझे एक दफा बंद करना पड़ेगा। ये किसने प्रोजेक्ट बनाया यार, ऊप किस पर ठीक लिखते यार, ये 2022 चलाना है, ठीक है। और काइंडली आपके जितने भी हमारे ये कोड लिखते हैं वो आप इनको सेव रखें, ठीक है, क्योंकि हमने जो अपनी कोर्स आउटलाइन भेजनी है ना उनको, उसमें ये होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी नोट्स हैं ये अलग 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 होने चाहिए, पावर पॉइंट स्लाइड्स भी, और ये हर एक मुझे अलग अलग चाहिए, ठीक है। वरना मैं आपको बड़े बता रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग सुन के करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो जी, सो लेट्स सी, n n की वैल्यू है लेट्स से 17, एंटर मारा, अब नजर आ रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, बड़ा उठे, आपका नाम क्या है, वासिफ, बैठे वहां पे ऊपर जाए, मोबाइल पे पांव रख के जाए, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, अच्छा अब मैंने फंक्शन के अंदर जाना है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अभी वैसे हमारा प्रोग्राम बड़ा छोटा सा है, और मोस्ट प्रोबेबली कल की जो लैब होगी उसमें 10 प्रोग्राम डीबगिंग के होंगे, ठीक है। और हमने बेसिकली करना क्या है कि इसको डीबग करना, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखिए, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा इस प्राइम मोशन क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एक तरीका यह है कि मैं F10 प्रेस कर दूँ, F10 करने का मतलब होता है कि एक्चुअली स्टेप ओवर का मतलब क्या होता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, ठीक है। आप स्टेप ओवर करें, F10 प्रेस करें, फंक्शन की प्रेस करके, ये देखें यहां पर आ गया, इसका मतलब क्या है, उसने रिटर्न क्या किया था, फॉल्स किया था, ठीक है। अगर मैंने वही लाइन दोबारा चलानी हो, उसका तरीका होता है, इसको पकड़ो, इसको कहां से पकड़ो, पकड़ के ऊपर कर दो बस, शाबाश, ठीक है, ये बात समझ में। तो वही लाइन दोबारा चलनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं तुम यहां से पकड़ के किसी और फंक्शन में भेज दो, ठीक है, ये नहीं करना, एटलीस्ट उस फंक्शन के अंदर रहे, क्यों भला, क्योंकि अगर आप किसी और फंक्शन में उसको भेजेंगे तो वहां वो एक्सपेक्ट करता कि मेरे ये पैरामीटर पास हो, ठीक है ना, तो वो तो फिर आपके इस इम्प्लीमेंटेशन में वो उस मेमोरी एड्रेस से उठाना शुरू कर देगा, और वो हो सकता है मेमोरी एड्रेस कहीं गलत हो, बस में सो रिमेन इन दिस फंक्शन, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लाइन पर एग्जीक्यूट करे बगैर चेक करना है ये फंक्शन मेरा क्या रिटर्न करवा रहा है, ये फंक्शन मेरा क्या रिटर्न करवा रहा है। The way to do that is, ये लाइन यहां से कॉपी करो, यहां से लेकर यहां तक कॉपी करो, नहीं, सिर्फ ये जो इफ के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो कॉपी करो, कंट्रोल सी, और जाओ वॉचेस के अंदर, ना ना ना, नीचे 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 नीचे, ये वॉच वॉच वन,
इधर जाके पेश कर दो। क्या लिखा हुआ है? फॉल्स। ये बात नहीं, ये एक्चुअली वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, और एग्जीक्यूट करके क्या आंसर आया है? फॉल्स आया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक हुई बात? ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन ठीक नहीं काम कर रहा, ये फंक्शन ठीक नहीं काम कर, इसका मतलब मैं इस फंक्शन में जाना चाहता हूं। इस इज कॉल्ड स्टेप इनटू द फंक्शन, स्टेप इनटू द फंक्शन। आई वाज गोइंग टू प्रेस F11, ओके, फंक्शन की प्रेस करके F11 प्रेस कर दो। अब मैं फंक्शन के अंदर आ गया, ये बात समझ आई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो फार, ओके। अब मैं इसके अंदर आता हूं। सबसे पहला काम पता क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है, ये बात याद रखें। सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन में आते हैं, जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर आते हैं, आपको चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? आपको चेक करना चाहिए कि ये जो पैरामीटर मेरे पास हुए हैं वो ठीक हुए या नहीं हुए। अभी तो बड़ा सिंपल सा एक पैरामीटर है, क्या है? एन है ना, तो F10 प्रेस करो एक दफा और जाओ दोबारा लोकल्स के अंदर या ऑटोज के अंदर, लोकल में चले जाओ। बेटा लोकल्स और ऑटोज में फर्क होता है। लोकल होता है कि इस मॉड्यूल के अंदर जिसमें आप मौजूद हैं, इसमें जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो यहां पर आपको नजर आएंगे, इंक्लूडिंग द पैरामीटर्स विच आर रिसीव्ड। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, लोकल में वो नजर आते हैं। ऑटोज में क्या नजर आता है? ऑटोज में होता है जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होने वाली है वहां खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ, तुम्हें कह रहा हूं मैं, वहां खड़े हो जाओ, उठो उठो उठो। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा बेटा, उठो आप, उठे बेटा, तुम्हें पता ना क्यों कहा तुम्हें? चलो वहां बैठो, खड़े दो आखिरी रो के पीछे। बस 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 इसी रो में, इतना दूर भी नहीं जाना, थोड़ा आगे आगे, वो आखिरी बंदा है ना उसके पीछे, यहां खड़े हो जाओ, बस खड़े रहना आप। हाँ जी, मैंने बेसिकली क्या करना है, मैंने चेक करना है पहला काम कि मुझे फंक्शन पैरामीटर सही रिसीव हुए या नहीं रिसीव हुए। ओके, दीज आर वेरी कॉमन एरर्स। जब भी आप डिबगिंग करने लगे, मॉड्यूल को आने के साथ ही चेक करेंगे मॉड्यूल में पैरामीटर सही रिसीव हुए या नहीं हुए। यानी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सॉरी यार, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि पैरामीटर मेरे रिसीव भी ठीक हुआ है या नहीं हुए। क्योंकि अगर पैरामीटर ही ठीक रिसीव नहीं हुए, तो मतलब क्या है? इसका मतलब इससे पहले कहीं एरर आ चुका हुआ था, आप गलत चीज डिबग कर रहे हैं। ये बात समझ आई? और दैट्स अ वेरी कॉमन एरर। यानी कई दफा आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर भेजते हैं, पैरामीटर का ऑर्डर गलत भेज देते हैं। यानी आर्गुमेंट जब आप भेजते हैं तो आर्गुमेंट में आपने पहले पहले से पहले डेज भेजना था, फिर मंथ भेजना था, फिर ईयर भेजना था। आपने गलती से पहले ईयर भेज दिया, फिर आपने मंथ भेज दिया, फिर आपने डेज भेज दिया, है ना? तो आपका सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो फिर आप सबसे पहले चेक करते हैं, हाँ भाई मुझे पहला पैरामीटर इस फंक्शन को जो पैरामीटर चाहिए थे वो पैरामीटर ठीक रिसीव हुआ है या नहीं ठीक रिसीव हुआ। ठीक है, अगर वो ठीक रिसीव हुआ है इसका मतलब अब इस फंक्शन में एरर है। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, चेक करना कि इस फंक्शन में जो पैरामीटर्स रिसीव हुए हैं वो ठीक रिसीव हुए या नहीं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक बॉक्स डीबगिंग। ओके, जब आप फंक्शन को आके डीबग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है। ये बात समझ? ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप देखें जी, इसको इसके अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो एन मैंने भेजा 17 भेजा, इसको इसके अंदर आना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, F10 प्रेस करो, नहीं आया। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है इस प्राइम फंक्शन में कोई मसला हो चुका हुआ है। ये बात समझ? ठीक है, आई कैन डू वन थिंग, एक बार चेक भी कर लेते हैं। कैसे? दोबारा से ऊपर जाओ, ये कॉपी करो, इस प्राइम एन वाला मुझे वहां से करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है। वॉश में जाओ, अब देखिए भाई, बात सुनो, वॉश से वॉश चलो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो यार, तुम्हें जल्दी क्या थी? ये नहीं, यहां पर ना ये नजर आ रहा था आपको, ये जो आपको ये जो साइकिल नजर आ रहा है, साइकिल का मतलब पता क्या होता है? मतलब ये फंक्शन अब कॉल नहीं हुआ, ये फंक्शन अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे। क्या करेंगे? रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो अब आप इसने क्या किया, एक और एंट्री इसमें डाल दी
और उसने चेक किया कि हाँ भाई इस एन के लिए ये रिटर्न क्या कर रहा है, एन की वैल्यू कितनी थी, 17 थी, ठीक है। ये वॉचेस, वॉचेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वॉचेस से आप सारी गेम आप वॉचेस से करते हैं, ओके। तो वॉचेस पे जाके मैंने इस प्राइम भेजा और देखा क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, इसका कंफर्म हो गया कि भाई प्रॉब्लम इसी के अंदर है। ये बात समझना, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ गई बात, ठीक है। इस कस्टमर को उठाओ दोबारा मान लेके जाओ, ओ खुदा दना ले यार, ओ भाई आराम से, थैंक यू सो मच। अब हमने फंक्शन के अंदर जाना है, क्या प्रेस करें, F11 प्रेस करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आ गए, क्या चेक करना चाहिए पहले, हाँ जी, पैरामीटर ठीक है उसमें या नहीं था, ठीक है। दोबारा जाओ लोकस में, ठीक है, F10 प्रेस करो, ठीक है, तो पैरामीटर तो ठीक पास हुआ, ठीक है, इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, लेट्स सी। और ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है आपको पता है, ठीक है, F10 करते जाओ। इसको कभी भी लाइन नंबर किस पे नहीं आना चाहिए, 12 पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप मेरे गुरु का मेरी बात सुनो, ऐसा करो लाइन नंबर 12 के ऊपर जाके डीबग पॉइंट लगा दो, शाबाश, और लाइन नंबर 14 पे भी डीबग पॉइंट लगा दो, ठीक है। इसका मतलब है आई विल गोइंग टू चेक कि किस से निकलता है, निकलना किससे चाहिए, निकलना चाहिए लाइन नंबर 14 से, ठीक है, बट आई गेस कि निकल रहा है वो किस पे, 12 पे। तो देखते हैं किस पे डिवीजन हुई है, से पता लग गया डिवीजन हो रही है, है ना, आपको समझ में आई मैं क्या बात किया, ठीक है। ऐसा करो आप F5 प्रेस करो, F5 का मतलब क्या है, जब तक अगला ब्रेक पॉइंट नहीं आता कीप एग्जीक्यूटिंग, कीप एग्जीक्यूटिंग, ओके। फंक्शन की प्रेस करके F5 प्रेस कर दो, देखो वहां रुक गया, ठीक है। सबसे पहले काम है चेक कर रहे हैं कि ये आप भाई किस जगह पे डिवीजन हुई है, किस किस डी ने इस एन को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है, ये बात समझ नहीं, ये हमने निकालना है, ओके। गो टू लोकल्स दोबारा से, और लोकल में देखें डी की वैल्यू क्या है, 17, और 17 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है ओए हमने तो उसे कहा था डिवीजन करो 16 तक, ये 17 तक क्यों कर रहा है, वी हैव टू चेक इट, वेयर इज दी एरर, दी एरर इज इन फॉर लूप की लेस देन इक्वल कंडीशन में। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, काइंडली से ठीक कर दे, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। अब अगला काम क्या होता है, अगला काम यह है स्टॉप डिबगिंग करें, क्या करें, स्टॉप डिबगिंग कर दे प्लीज, ये ब्रेक पॉइंट हटा दे क्योंकि एरर निकल आया है ना हमारे ख्याल में, ठीक है। और अब आप वापस जाएं कि जिस जगह से आपको ये फंक्शन ने आपने कॉल किया था, वापस जाइए वहां पे, इसको तो हटा दें यहां से, ठीक है, ऊपर जाएं, इस प्राइम के अंदर आपने प्राइम कॉल किया होता ना, लाइन नंबर 50 है ना, लाइन नंबर 50 में जाके मैं डीबग पॉइंट दोबारा लगाऊंगा, क्यों, ये मैंने क्यों किया है कोई बताया मुझे, अभी होगी ही देखते हैं, हाँ जी, मैंने यहां पे डीबग पॉइंट क्यों लगाया है, कैन एनीबडी टेल मी, नहीं, यहां पर मैंने क्यों लगाया है, अब मैंने पहले मैंने वहां पे लगाया हुआ था यहां डीबग पॉइंट जहां से ये फंक्शन कॉल था, अब मैंने यहां लगाया, यहां क्यों लगाया, इससे पीछे मुझे कोई एरर नहीं मिला था, तो व्हाई आई शुड वेस्ट माय टाइम, ओके। एक बात याद रखें, आपकी एज ए लाइफ ऑफ प्रोग्रामर, ठीक है, जो कि बड़ी खूबसूरत लाइफ है, ठीक है, उसके अंदर आपका 90% टाइम अपने एरर्स निकालने में लगेगा, किस में लगेगा, एरर्स निकालने में लगेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने दोस्त पे सबसे बड़ा जिंदगी भर एहसान कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके गलत कोड में से एरर ना निकाले, दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज ए रियली सीरियस मैटर। अगर आप उस पर एहसान कर सकते हैं तो आप उसे कहें मेरे सामने डीबग करो, लेट्स डीबग टुगेदर, ओके, लेट हिम और हर फाइंड द एरर,
यू विल नॉट इमेजिन कि वो एरर निकाल के कितना खुश होगा या खुश होगी. ओके, डोंट स्नैच द वंडर इन फाइंडिंग आउट योर ओन बग. ओके, इफ यू विल डू दैट, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू टू योर फेलो. ओके, प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, हाँ, डिबगिंग सिखाएं. ठीक है, डिबगिंग जरूर करें. ठीक है, ये पूरे के पूरे कोर्स के अंदर शायद आप सबसे पहली चीज जो सीखने लगे हैं वो डिबगिंग है, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स बड़े होंगे और उसमें बग निकालना एक अजाब काम है. ठीक है, लेकिन आई थिंक सबसे खूबसूरत काम है. ठीक है, क्योंकि वहीं से आपको पता लगना है मेरे कॉन्सेप्ट में मसला कहां पर. ठीक है, चले जी, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड के लाइन नंबर 50 के ऊपर मैंने क्यों रोका है. ठीक है, ये बात समझ आई. चले जी, F10 प्रेस कर दे, F5 प्रेस कर दे, F5 क्यों प्रेस किया मैंने? We keep executing your program until you reach the break point. Okay? जी 17 लिख दे, एंटर, Alt Tab, Alt Tab. ठीक है, अब वो यहां पे आके रुक गया हुआ है. ठीक है जी, अब सबसे पहले मैं F10 प्रेस करूंगा. ठीक है, क्यों F10 प्रेस करूंगा? क्योंकि अगर वो अब भी आगे में जाते मतलब क्या, फिर अभी भी कोई मसला मौजूद है ना? F10 प्रेस करें, इसका मतलब हमारा इस प्रॉब्लम ठीक हो गया है ना, होपफुली. ठीक है जी, F10 प्लस करें जी. N हमारा कितना? 17, और हमारा नंबर ऑफ डिजिट कितना है? नंबर ऑफ डिजिट कितना है? ठीक है, ये बात समझ आई? व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसका मतलब है कि हमने इस फंक्शन में जब हमने एन पास किया है, समथिंग हैज बीन ए प्रॉब्लम. ओके, ये बात समझ आई? तो समथिंग इज रॉन्ग. ठीक है, पीछे करें से. ठीक है, हम इसके फंक्शन की दोबारा कॉल करते हैं. ठीक है, F11 यार किधर चला गया है? इस प्राइम में क्यों ले गया? ओए फिर रोक दिया उन्हें. F10 और F11. Why F11 बेटा? क्योंकि हमने देख लिया कि ये रिटर्न जो है वो 3 कर रहा है. ठीक है जी, F10 जी, काउंट की पहले 1 हुई. ठीक है, इट्स ओके. क्यों, व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या जी? ठीक है, काउंट की वैल्यू 0 है. ये कोई इतना मजेदार नहीं था, खबर है कौन नहीं पता लग गया. चलो भाई, थैंक यू सो मच जी, बैठो. ऑल राइट, प्लीज समझ हो जाए, प्लीज समझ, प्लीज समझ. ऑल राइट, ओके, लेट मी राइट ए वेरी सिंपल फंक्शन. इसका नाम है वॉइड प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स कैरेक्टर सिंबल इंटीजर के. वाजवा, कैरेक्टर सिंबल के. ठीक है, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू के, आई प्लस प्लस. ठीक है, इस फंक्शन का काम यह है कि एक सिंबल को k दफा प्रिंट करना है. ठीक है, तो मैं करता हूं सी आउट सिंबल, सी आउट क्या करूं? एंटर करूं. ठीक है, आई एम अबाउट टू टीच यू समथिंग रियली रियली स्पेशल. ओके,
ऑलराइट, लेट्स गो बैक. यू रिमेंबर जो एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में की थी. इमेजिन आई वांट टू प्रिंट दिस ट्रायंगल. ठीक है, एंड आई वांट टू प्रिंट अनदर ट्रायंगल. बाय द वे हाइट की वैल्यू जो है वो 5 है. ठीक है, लेट्स मेक ए पैटर्न. लाइन नंबर, स्पेस, स्टार. सो लाइन नंबर 1, नंबर ऑफ स्पेसेस आर गलत. एंड कहां से आ गया? एच माइनस 1. लाइन नंबर 2, एच माइनस 2. ओके, लाइन नंबर 3, एच माइनस. Does it make sense? जी, अगर लाइन नंबर LN हो, एच माइनस LN. ठीक है, ठीक है. स्टार्स 1, 2, 3 LN. ठीक है, सो फार सो गुड. एंड लेट मी राइट द कोड फॉर void T1. T1 is a triangle, integer height, and that's a code. क्या? For loop, integer, line number is equal to 1, line number is less than or equal to h, line number plus plus. Okay? I will say c out and l. ठीक है, एंड आई हैव टू प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, और इसमें मुझे स्पेस प्रिंट करनी है कितनी दफा? एच माइनस एल एन दफा. और प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स में क्या करना है? स्टार को प्रिंट करना है कितनी दफा? L in the, and I'm done. Okay, and I'm actually done. This will going to print this way. Okay, let me code it. Keep hush. And there is a bug. You have to tell me what's the bug. Okay. All right. Khamosh please. Khamosh please. Void T1. Integer h, for loop integer, line number is equal to 1, line number is less than or equal to h, line number plus plus. ठीक है जी, print a symbol k times, symbol है space, print करना है कितनी दफा जेटा? h minus ln दफा. print a symbol के टाइम्स, स्टार प्रिंट करना है कितनी दफा? एल एन दफा. उसके बाद क्या करना है? सी आउट एंड एल. ठीक है, द प्रोग्राम शुड प्रिंट फॉर T1 5. इट शुड प्रिंट द प्रॉपर ट्रायंगल, बट इट विल गोइंग टू प्रिंट दिस. व्हाट्स द प्रॉब्लम? सॉरी, क्या? व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दिस लाइन. व्हाट्स द लेसन टू टेक फ्रॉम दिस? आपके फंक्शन को जो काम करने को कहा जाए, उससे एक लेटर भी उसको ऊपर काम नहीं करना चाहिए. इसका काम था
इस सिंबल को के दफा प्रिंट कराना, ओके? ये हैंडल करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ओके? इमेजिन करें कि आपने वो साइन फंक्शन लिखा था, याद है मैं आपको पहले तो बताया था, अब उसका काम था वैल्यूज को रिटर्न करवाना, एक फ्लोटिंग वैल्यू को रिटर्न करवाना, और वो साहब प्रिंट करना शुरू कर देते, और आपने एक्चुअली उस साइन वैल्यू को यूज करते हुए कुछ और काम करना था, वो तो आपकी कंसोल की तबाही फेर देगा। ये बात समझ में आई क्या बात हो रही है? सो एक्चुअली आपके फंक्शन को वही करना चाहिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे एक लेटर भी उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। ये बात समझ? दैट्स द फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, ओके? आपके फंक्शन को सिर्फ वो करना चाहिए जो उसे करना चाहिए, उससे ना एक लेटर कम ना एक लेटर ज्यादा। ये बात समझ? क्योंकि अगर आपने वो किया तो फिर आपने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की तबाही फेर दी, ओके? लेट्स सी, वी हैव द ट्रायंगल, ओके? जो हमें चाहिए थी, डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड। इमेजिन दिस, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस, एच इज इक्वल टू 5, 1, 2, 3, 4 स्टार, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, Let's figure out the pattern. Line number, spaces, stars. Okay? Line number one. Let's talk about only spaces. G, number of spaces. Please don't say 4. ठीक है ना? आप keep this thing in mind कि we are talking about H. ठीक है, वी हैव टू टेल इन टर्म्स ऑफ एच बिकॉज एच कुड बी 5, 6, 7, 10, ओके? जी, एच माइनस 1, व्हाट अबाउट 2? एच माइनस 2, कैन यू टेल मी द पैटर्न? एच माइनस ln, ओके? लेट्स राइट डाउन दिस, 1, 3, कैन यू टेल मी द पैटर्न? 2 times ln minus 1. ये बात समझ? ठीक है? So let's write the code. Void t1, t2, integer h. Actually, let me pass another symbol as well. जिसकी value मैं assign कर देता हूँ star. Okay? What is this? It's called default parameter. What is the default parameter? कि अगर मैं second symbol नहीं, second parameter नहीं pass करूँगा, तो तुम क्या ले लेना? Star ले लो. ठीक है? All right. So for loop integer line number is equal to 0. One. Line number is less than or equal to what? H. लाइन नंबर प्लस प्लस. ठीक है, सो प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, हाँ जी बताएं, स्पेस, ठीक है, सॉरी, एच माइनस ln. ठीक है जी, प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, हाँ जी बताएं जी, यहां पे कर देंगे सिंबल और यहां कर देंगे बेटा 2 times ln minus 1, सी आउट हाउ मच, व्हाट इज दैट? Essentially, अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, आपकी शेप प्रिंटिंग में ये एक लूप लगा हुआ है और ये एक और लूप लगा हुआ है, ओके? वो जो कल की क्लास थी उसमें यहां पे हमने नेस्टेड लूप लिखा था, अब उस नेस्टेड लूप की जो छोटी सी चीज है ये बार बार लिखने के बजाय हमने सिर्फ फंक्शन बना के अलग कर दी. ये बात समझ? एंड नाउ वी आर रीयूजिंग इट, डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सो लेट्स डू दैट.
यहां पे कर देते हैं हम टी टू, यहां 15 कर देते हैं। लेट्स सी, वी हैव ए ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑलराइट, हियर इज अनदर क्वेश्चन व्हिच इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस, और वो ये और देखिएगा, एच इज इक्वल टू 5, एच इज इक्वल टू 5, और अब हम कहते हैं पहली लाइन पे 9 स्टार्स, कितने हो गए? ठीक है, फिर एक स्पेस, सात स्टार्स, दो स्पेसेस, एक दो तीन स्पेसेस और तीन स्टार्स, एक दो तीन चार स्पेसेस, एक स्टार। ओके, व्हाट शुड बी द पैटर्न? जी, लूप उल्टा कर दे, जिसने ये लिखा ना उसका तो मैं सर फाड़ दूंगा। यू कैन डू दैट, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, इट्स एक्चुअली राइट, बट आई फील इट्स अ वेरी बैड वे ऑफ थिंकिंग। ओके, कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? बिकॉज आप लूप उल्टा कर रहे हैं, लूप उल्टा करने का मतलब लाइन नंबर, आपकी लाइन नंबर 1 प्रिंट हो रही है, लेकिन वो लाइन नंबर 1 नहीं है, वो लाइन नंबर कौन सी है? वो लाइन नंबर एफ है। यानी आपका कोड क्या कह रहा है? आपका कोड कह रहा है लाइन नंबर एच मैं पहले प्रिंट कर रहा हूं। व्हाट इज दिस? ये समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? यानी होनी तो लाइन नंबर 1 चाहिए और आप कह रहे हैं लाइन नंबर एच से शुरू कर रहा हूं। ये कौन सी, ये कैसा कोड है? आपके कोड का कोई मतलब होना चाहिए। ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? यानी कि आप अगर इसी कोड को ऐसे लिख दी, ये कोड बिल्कुल ठीक है, कोड कोई गलती नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी ट्राइंगल नंबर 3 को ऐसे लिख दू, दिस कोड विल वर्क। यहां पे मैं एच कर दूंगा, यहां पे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर दूंगा, और यहां पे मैं माइनस माइनस करूंगा। दिस इज ए परफेक्ट कोड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट आई फील दिस इज ए वेरी बैड वे ऑफ कोडिंग। ओके, ऑलराइट, ओके, क्यों? क्योंकि बेसिकली जब आपका कोड पहली दफा चल रहा है, वो लाइन नंबर 1 प्रिंट करने जा रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं, इसको लाइन नंबर एच कहो। क्यों कहो लाइन नंबर एच? आपके कोड का मतलब होना चाहिए, आपके कोड का मतलब होना चाहिए। ये बात समझ में, मैंने क्या बात की? दिस मैटर्स। आपका कोड अगर बोल नहीं रहा, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपके कोडिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है। योर कोडिंग स्टाइल शुड स्पीक, ओके, फॉर इटसेल्फ, कि मैंने ये कर जा रहा हूं। ओके, सो आई वुड सजेस्ट, ये कोड गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है, बट आई डोंट लाइक इट, आई डोंट प्रेफर इट, आई प्रेफर दिस, कि मैं इसका पैटर्न दोबारा बनाता हूं। ठीक है, लाइन नंबर 1, नंबर ऑफ स्पेसेस 0, लाइन नंबर 2, नंबर ऑफ स्पेसेस 1, लाइन नंबर ln और नंबर ऑफ स्पेसेस ln माइनस 1। डज इट मेक सेंस? ठीक है, कम हियर, हां जी, 2 इंटू एच माइनस 1, एंड कैन यू गेस 2 इंटू एच माइनस इस, नहीं नहीं, अगली दफा कितने माइनस होंगे इस 3? क्यों? क्योंकि एक यहां से छूटता है, एक यहां से छूटता है, तो पहले ही माइनस 1 था, तो यहां पे माइनस 3 होना चाहिए। ये बात सुनाई? और कैन यू गेस कि अगली दफा होगा 2 टाइम एच माइनस 5, एंड व्हाट इज दिस पैटर्न? 1 3 5 इज व्हाट? 2 टाइम्स एच तो वही का वही रहा, माइनस ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ln माइनस 1, और ये ब्रैकेट लगेगी यहां। तो बात सुना? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ओके, ऑलराइट, बट आई थिंक ये तो आप कर लेंगे, अब आपको ये कर लेना चाहिए। ठीक है, बट लेट मी आस्क यू अनदर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज, व्हाट डू आई वांट टू डू? आई वांट टू प्रिंट ए डायमंड। ओके, व्हाट इज अ डायमंड? डायमंड इज, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि आप उसकी हाइट बताते, आप उसकी हाइट बताते, वो पहली उतनी ही
लाइनें प्रिंट करता है जो कि आपको लग रहा है कि जो है होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी सी चेंज करता है। वो क्या करता है, वो करता है यहां पे एक स्पेस, फिर वो दो स्पेसेस करता है, फिर क्या करता है तीन स्पेसेस करता है, फिर वो चार स्पेसेस करता है। और अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। मैं आपके सामने पहले ये कोड लिख देता हूं, ठीक है। जी, T3 फॉर लूप इंटीजर लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू कहां से शुरू होगा बेटा, क्या था, H था, लाइन नंबर प्लस प्लस, हाँ जी बताएं बेटा जी, C आउट हैंडल, और यहां पे बेटा क्या था, प्रिंट सिंबल के टाइम्स, पहले है स्पेस, ठीक है, फिर बेटा क्या, ये था ln माइनस 1, यही था ना, और प्रिंट सिंबल के टाइम्स, ठीक है, यहां पे क्या हुआ बेटा सिंबल, और यहां क्या पैटर्न था हमारा, 2 × H माइनस ब्रैकेट 2 × ln − 1, ठीक है, क्या उन्हें जब कह दो यहां पे क्लास है, ठीक है, लुक एट दिस, अगर मैं ये कर दूं तो क्या डायमंड बन जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अंदर जितना से आए, यस 5 कर लेते हैं और 5 कर लेते हैं, ठीक है, लुक एट दिस, व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो ये लाइन है जो नीचे वाली ट्रायंगल है वो क्या हो रही है, वो दो दफा प्रिंट हो रही है, एंड यू डोंट वांट टू दैट, ऐसी है ना, यू डोंट वांट टू दैट, ऐसी है, I hope everybody understand it. Okay? And let me do something. Okay? And that something is the following. अच्छा, by the way, यहाँ से मैं character symbol भी भेज देता हूँ, जिसकी अच्छा यहाँ पर भी is equal to कर देते हैं क्या star, ठीक है? अच्छा आप देखिए, मैं करता हूँ इन दोनों के अंदर मैं छोटी सी change करता हूँ, int s is equal to 1, int s is equal to 1, okay, so what is int s, s is kis line number se printing shuru kar denge, kis line number se, yaar ye band kar dena please, sahi se band kar, what is s, s is telling me kis line se shuru karna, theek hai, and let me do a small change, and that change is the following, instead of starting from 1, what I will going to do is I will going to start from S. And from here as well, I am going to start from 1. कोई इश्यू तो नहीं किसी को, ठीक है? And now look at this. Void print diamond. ठीक है? Integer n. Character symbol. ठीक है, what I will going to do is I will going to say कौन सी ट्राइंगल थी पहले वाली, T2 थी, T2 H and that's it, ठीक है, बेशक आप इसको आप बेशक 1 ही रहने दें और इसको आप सिंबल जो भेजे थे वही भेज दें, ठीक है, सॉरी यार ये N नहीं है, H है, और यहां पे आप जाएं T3 को कहें तो मैं ऐसा करना 2 से शुरू कर देना, ठीक है, लाइन नंबर 1 को स्किप कर देना, ये बात सुनाई, एंड नाउ आई हैव डायमंड, ठीक है,
कंट्रोल फंक्शन है 5 एंड एफ डैश, ठीक है, ये बात सुन रहे, ठीक है। ये जो छोटी सी चेंज की है ना, ये बहुत खूबसूरत आइडिया है। क्यों? क्योंकि बेसिकली बहुत सारी शेप्स होती हैं वो इसके थ्रू प्रिंट हो जाती है कि आपने एक्चुअली उस फिगर का कोई पोर्शन प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो आपने को ये असाइनमेंट आपको मिली थी या नहीं मिली थी, कि इमेजिन करें कि आपने ये प्रिंट करना है। आपने ना, इट्स अ वेरी फेमस ट्री, इट्स कॉल्ड क्रिसमस ट्री, ये प्रिंट करना है, फिर ये प्रिंट करना है, ठीक है, फिर ये प्रिंट करना है। दीज आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर एक्चुअली पोर्शंस ऑफ द ट्रीज, कि आप एक्चुअली इसमें इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये कि ट्राइंगल है। The only difference is, ये पहला हाफ प्रिंट, पहला टू थर्ड प्रिंट कर रहा है, ये दरमियान वाला टू थर्ड प्रिंट कर रहा है, और ये आखिरी टू थर्ड प्रिंट कर रहा है। That's it. ठीक है? All right. So far so good. ठीक है? All right. Last problem and the lecture will be over. Okay? And the last problem is the following. Unfortunately, हमारी ना क्लास होनी थी 2:15 बजे, वो ना हमें रूम नहीं मिला, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ा। बट लेट्स सी, आखिरी चीज है जो हमने करनी है, और वो ये है कि अच्छा एक छोटी सी चीज और करनी है, एक मिनट। इमेजिन करें कि आपने ये ट्रायंगल आउटपुट करनी है, अगेन वही ट्रायंगल है, लेट्स से हाइट की वैल्यू दोबारा से 5 है, तो पहले 1, 2, 3, 4 स्पेसेस हैं, फिर एक स्टार है, फिर 1, 2, 3 स्पेसेस हैं, एक स्टार है, फिर एक स्पेस है, फिर एक स्टार है, फिर एक स्पेस है, फिर एक स्पेस है, फिर एक स्टार है, और फिर 1, 2, 3 स्पेसेस हैं और एक स्टार है, फिर एक स्पेस है, एक स्टार, स्पेस 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 एंड देन स्टार, एंड देन एक स्टार, स्पेस नो स्टार 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 एंड देन स्टार, ओके, दीज आर कॉल्ड हॉलो शेप्स, ठीक है, ये कहलाती है हॉलो शेप्स, ओके। और हॉलो शेप्स जितनी भी हैं तकरीबन आपको जो जितनी भी तस्वीरें मिलेगी उनमें ना बेसिकली तकरीबन ये एक फिनोमेना होता है, वो होता ये है कि बेसिकली जो उसकी पहली लाइन होती है ना यूजुअली, और लाल में ये शेप हो सकता है डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आपने फिगर आउट करना होता है यार ये पोर्शन अलग कर दो, ये पोर्शन अलग कर दो और ये पोर्शन अलग कर दो, इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, इसमें अगर आप देखें तो पहली पहली जो लाइन है उसमें एक स्टार है, बाकी दरमियान वाली जितनी भी हैं उसमें 2 स्टार है ना, बल्कि एक और चीज भी है, क्या, स्पेसेस फॉलोड बाय 1 स्टार, देन अगेन स्पेसेस एंड देन फॉलोड बाय 1 स्टार, ये बात सुना है? इसमें देखें क्या, स्पेसेस फॉलोड बाय ओनली 1 स्टार, ओके, इसमें क्या है, ऑल स्टार्स, ये बात सुना है? सो ऑब्वियस सी बात है कि ये पार्ट अलग होने, ये पार्ट अलग होने और ये पार्ट अलग होने, ये बात समझना। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस, एंड आई नाउ यू माइट अप्रिशिएट इवन फर्दर कि एक्चुअली ये जो ये वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन, इसका बस एक ही पैटर्न है और वो हार्ड कोडेड पैटर्न है, क्या है दलते हैं मुझे, पहली पहली जो लाइन है उसमें कितनी स्पेसेस है जी, बताएं कितनी स्पेसेस है जी, इसका पैटर्न बड़ा सिंपल है, स्पेसिस है और स्पेसिस कितनी है, h-1, नॉट लाइन नंबर बिकॉज इट्स ओनली 1 लाइन, है ना, ये बात समझ, इधर आ जाए, इधर क्या है, और जो स्टार है वो कितने हैं जी, जो स्टार है वो है ही 1, खत्म हो गई बात। सो एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इज प्रिंट अ सिंबल k टाइम्स स्पेस h-1, और यहां पर क्या करेंगे, प्रिंट अ सिंबल k टाइम, अगर दोबारा भी कहना है तो उसमें स्टार लिखेंगे और यहां पर 1 लिख देंगे, ठीक है, या आप खुद ही सी आउट वो सिंबल डाल दें,
आपको समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पैटर्न के ऊपर, जो कि लाइन नंबर जो अगली सी होता है, ठीक है। अब अगर आपकी कन्वेंशन है जो आप कहेंगे वही ले लेंगे, अगर आप चाहें तो उसको लाइन नंबर टू कह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको लाइन नंबर वन कह सकते हैं। आपकी कॉल है, आप बताएं क्या कहना है। जो कहेंगे आप वही कर लेंगे, आपने वन कहना वन का भी हम कर सकते हैं, टू कहना टू भी कर सकते हैं। ये बात समझ। सो आपको फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कहता हूं मेरी ये लाइन नंबर है वो लेटर टू से शुरू होती है, ठीक है, और मैं दूसरी कन्वेंशन लेता हूं जिसमें कहता हूं लाइन नंबर जो है वो मेरी वन से शुरू होती है, ठीक है। एंड आई थिंक बोथ आर फाइन, ओके, बोथ आर परफेक्टली फाइन, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली लॉजिकली देखा जाए तो वो पहली लाइन में बनती है, वो सेकंड लाइन में बनती है, ठीक है। अगर आप उसको अलग कंसीडर कर रहे हैं तो वो ये लाइन नंबर जो है वो वन होगी, और अगर नहीं ये उसी शेप का पार्ट है तो हम कहेंगे ये लाइन नंबर क्या है, लाइन नंबर। तो आप जो कन्वेंशन लेना चाहे सात पैटर्न बनेगा, अलग पैटर्न बनेगा। ये बात समझना, ठीक है। तो लेट्स मेक ए पैटर्न, ओके। अगर मैं लाइन नंबर टू से शुरू करूं तो आप देख लेते हैं, स्पेसेस फॉलोड बाय स्टार्स एंड देन फॉलोड बाय स्पेसेस एंड देन फॉलोड बाय स्टार्स। सो दिस इज द पैटर्न, ओके। चलिए बनाना शुरू करते हैं जी। कितनी स्पेसेस है, अगर मैं लाइन नंबर टू से शुरू करूं तो कितनी स्पेसेस है? ये है एच माइनस लाइन नंबर, ये बात समझ, ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू फाइव है, फाइव माइनस लाइन नंबर टू बनती है, ये बात समझ, तो थ्री बनती है। और अगर मैं यहां पे ये इसे शुरू करूं तो ये बन जाएगा, हां जी, एच माइनस एल एन माइनस वन एंड बोथ आर फाइन, ओके जी। स्टार वन है, ये स्टार भी वन है, ओके। अब आए थे अंदर, ठीक है, और देखें दोनों में अलग अलग सा फायदा होगा, इधर से अलग इसको ये यहां पर कुछ में ये फायदा देगा, कुछ में वहां पर वहां पर वहां पर, उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा मसला होगा, ठीक है, देखते हैं जी। बताए नहीं यहां पे नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है, वन है, फंस गए आप, अगली दफा बताएं, ये टू है, ये तो हमने पैटर्न निकाल दिया है ना, ये भी वन ही है, ये भी वन ही है, ये कितना है, ये थ्री। अब बताएं पैटर्न क्या है, सॉरी लाइन नंबर थ्री है जी, बताया, सॉरी लाइन नंबर थ्री है, यू आर एब्सोल्यूट राइट जी, बताएं जी। सो कैन यू सी अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज के एक्चुअली लाइन नंबर टू है लेकिन ऑड नंबर आपका पहला है ना, तो एक्चुअली जितनी लाइन नंबर है उससे एक पिछले ऑड नंबर पे बात चल रही है, मतलब आप करेंगे क्या, आपका पैटर्न होगा एल एन माइनस वन और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टू से और बाद में माइनस करेंगे वन को, ये बात सुन, दैट्स योर पार्ट, ये बात सुन, ठीक है। ये जितनी भी बेटा शेप्स प्रिंटिंग होती है ना, ये एक्चुअली अलजेब्रा के सवाल है, क्योंकि एक्चुअली कोड तो सब में सेम ही है, ये लगा हाय शेप नहीं प्रिंट होती, एक्चुअली आपने सिर्फ अलजेब्रा फिगर आउट करना है कि यार ये मेरा पैटर्न दरमियान में बनता क्या बन गया, तो नहीं वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ है कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अलजेब्रा के सवाल है, ठीक है। ऑलराइट, इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं है सीरियसली, ओके। हम यहां पर रहते हैं, इसकी बात करें तो ये तो हमारा बिल्कुल सेम ही है, प्लस वन होगा, क्यों, कैसे बेटा, एल एन माइनस, हाँ प्लस वन होगा, यू आर एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, यू आर एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, वरना टू एल एन, हाँ जो भी है पैटर्न आपने फिगर आउट करना है जी, बस ये दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अजी इधर आ जाए, जो स्टार है वो एक है और जो आखिरी स्टार है वो भी एक है, और इधर बताएं क्या बनता है, स्पेसेस, जब लाइन नंबर वन है तो स्पेस आपकी स्पेसेस जो है वो वन है, और अगली दफा कितनी है, तीन है, ये बस भाई, दैट्स अ वेरी सिंपल पैटर्न, टू टाइम लाइन नंबर माइनस वन, ये बात समझ, ठीक है, दीज आर हॉलो शेप्स, ठीक है, सो फार सो गुड, ऑलराइट। प्लीज समझ जाए, लास्ट पार्ट, आपने जी ये एक शेप है वो प्रिंट करनी है, यार पिछली दफा जो हमारा सेक्शन था ना उसमें एक बच्चे ने आगे कहा था कि सर जी ये तो इसराइल का झंडा है तो मैं तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है,
झंडा ये नहीं है, झंडे के अंदर ये स्टार आता है, ये तो उससे भी पुराना है, इज़राइल से तो बहुत पहले की बात है ये जो, पता नहीं बट खैर डेविड का है, जरा दाऊद का है तो वो तो उनसे भी पहले के हैं, ठीक है, बट व्हाटएवर, ठीक है, हमने ये बनाना है, ठीक है। और इसके भी दो वर्जन हैं, एक है कि आपने हॉलो बनाना है और एक है हॉलो नहीं बनाना, फील्ड बनाना। लेट्स से वी विल टॉक अबाउट फील्ड, हॉलो आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखें, ये मैंने जानबूझ के हॉलो बनाया, क्योंकि आप जो ये किसने चाहिए, आप थे फिर कौन था यहां से, कौन था, हाँ ये अच्छी बातें हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली ये शेप बनानी है, ठीक है। इस शेप को अगर आप गौर से देखें तो एक्चुअली ये वाले ट्रायंगल है जो हम पहले बना चुके हैं, है ना, और एक ये वाले ट्रायंगल है, ये भी हम पहले बना चुके हैं, है ना। द ओनली डिफरेंस इज कि एक्चुअली ये पोर्शंस में एक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉप एच बाय फोर पोर्शन देखें तो कौन सी ट्रायंगल एक्टिव है, ये वाले ट्रायंगल, ये बात समझ। और अगर आप सेकेंड एन बाय फोर पोर्शन में देखें तो क्या है, सेकेंड ट्राइंगल एक्टिव है, ये बात समझ। और अगर आप थर्ड पोर्शन में देखें तो क्या है, दोबारा फर्स्ट वाली एक्टिव रहती है। और आखिरी एन एच बाय फोर में देखें तो क्या हो जाती है, आखिरी ये सेकेंड वाली एक्टिव रहती है, ये बात समझ, ठीक है। आई होप यू अप्रिशिएट दिस कि एक्चुअली ये आपको ढारफ मिल जानी चाहिए, ओह ये चीज हमने पहले की हुई है, ये बात समझ। Now the only thing is कि you have to first manipulate two things. So by the way, एक और बड़ी मजेदार बात, इस पूरी स्टार की जो हाइट होनी चाहिए ना, वो divisible by four होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें चार पोर्शन में डिवाइड होना है, तो जो भी आप एच दें मेक श्योर क्या हो, वो divisible by four होना चाहिए, ये बात समझ। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात, अगर let's say एच की वैल्यू स्टार की हाइट में कह दूं 20 है, तो कैन यू टेल मी कि इस एक ट्राइंगल की हाइट कितनी है, कितनी, 10, 10 तो बेटा इतनी बनती है, इस एक ट्रायंगल की हाइट कितनी है, कैसे निकाली, क्योंकि बेसिकली तीनों ट्रायंगल्स जो है, दोनों ट्रायंगल्स जो है वो इसका इसके उसके 3/4 पे आती हैं, कितने पे आती है, उसके 75% पे आती है, डज इट मेक सेंस। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल हम बनाएंगे उनकी जो हाइट होगी वो एक्चुअल हाइट का 3/4 होगी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू आई विल गोइंग टू मेक एन एरर एंड यू हैव टू कैच मी, ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, क्या बैठ जाओ यार तुम, स्टार एंड एच, ऑलराइट। आई होप यू ऑल अग्री कि मुझे एक्चुअली कितनी लाइनें प्रिंट करनी है, ऐसे क्या मजाक, सी आउट एंड एल, ठीक है, ऑलराइट। ओके, If else, can you guess? इस इसमें मैं कौन सा पार्ट लिखूंगा, इसमें मैं कौन सा पार्ट लिखूंगा,
इफ आई एम, दिस शुड बी द कोड फॉर द अपर ट्राइंगल वाला, कब अपर वाला पोर्शन एक्टिव होना है, कब लोअर वाला एक्शन वाला पोर्शन एक्टिवेट होना है। ये बात समझ में, ऑड इवन तो नहीं होगा। एक्चुअली इफ लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, इफ लाइन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू वन बाय फोर टाइम्स एच, इसका मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वार्टर, ओके, और बिकॉज मुझे इस पोर्शन में भी इतनी ट्राइंगल को एक्टिव करना है, ठीक है, और मुझे इस पोर्शन में भी एक्टिवेट करना है, ओके, व्हाट इज दिस, कौन बोला है, हाँ मुझे दो, और लाइन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाय टू, ओके, नॉट इक्वल टू, एक्चुअली एग्जैक्टली ग्रेटर देन हाफ ऑफ एच, एंड लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू, हां जी, थ्री बाय फोर टाइम्स एच। अगर ऐसा है तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ट्राइंगल विच शुड बी एक्टिव, ओके, ये बात समझ में। लेकिन एक छोटा सा कैच, एंड दैट कैच इज द फॉलोइंग जी, इसके पैटर्न्स आपको याद होंगे, हमने लिख भी लेते हैं दोबारा से, जो ये वाली ट्राइंगल थी, ये वाली ट्राइंगल, इसका पैटर्न बड़ा सिंपल था कि इसकी जितनी भी हाइट है, इसकी जितनी भी हाइट है, लेट मी कॉल दिस एज टी एच, ठीक है, बाय द वे टी एच इज डिफरेंट फ्रॉम एच, क्यों, क्योंकि एच है वो स्टार की हाइट है, टी एच इसकी हाइट है, ट्राइंगल की हाइट है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने शुरू में कितनी स्पेसेस डाली थी, एच माइनस वन डाली थी, ठीक है ना, एच माइनस वन डाली थी, लेकिन यहां पर एच नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर टी एच है, तो जो स्पेसेस होंगी वो कितनी होंगी, अब आप सुन ले मेरी बात गौर से, यहां पे है लाइन नंबर और यहां पे है स्पेसेस और यहां पे है फॉलोड बाय स्टार्स, ओके, जब लाइन नंबर वन है तो नंबर ऑफ स्पेसेस है टी एच माइनस वन, और जो नंबर ऑफ स्टार हैं वो कितने हैं, वो है पहली दफा वन, ठीक है, और फिर है टी एच माइनस टू, और यू कैन गेस कि जब लाइन नंबर एल एन है तो ये है जी टी एच माइनस लाइन नंबर, बट यहां पे कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, अगले पे पांच हो जाएंगे, कैन यू गेस, टू टाइम्स लाइन नंबर माइनस वन, ओके, ऐसे क्या, ऐसे क्या, अभी तक मैंने इसका कोड नहीं लिखा और इसका कोड भी नहीं लिखा, ये बात समझ, अगर मैं इसको कोड कर दूं, अगर मैं इसको कोड कर दूं तो एक्चुअली ये प्रिंट होना चाहिए, ये वाली चीज, ये वाली चीज एम्प्टी और ये वाली चीज, और ये वाली चीज फिर एम्प्टी, ये बात समझ, लेट मी शो यू, ओके, जी, प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, सबसे पहले काम करेंगे ट्राइंगल हाइट निकालेंगे जो बराबर होगा थ्री बाय फोर टाइम्स एच, ओके, जी, पैटर्न क्या है, टी एच माइनस एल एन, टी एच माइनस एल एन, और यहां क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा स्पेस, प्रिंट सिंबल के टाइम्स, जी, पैटर्न क्या था, लाइन नंबर मल्टीप्लाई बाय क्या, टू माइनस वन, और प्रिंट क्या करना है जी, स्टार प्रिंट करना, ओके, ठीक है, इस कोड को ठीक चलना चाहिए, और ऊपर वाला पोर्शन, पहला पोर्शन और थर्ड पोर्शन को प्रिंट करना चाहिए अगर ये कोड ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, बट समथिंग विल हैपन,
और हमने आउट कॉल ही नहीं किया स्टार्ट, तो ऐसा करते हैं कॉल कर देते हैं। जी क्या नाम सबका? स्टार, और यहां कर देते हैं 20, ठीक है। कंट्रोल F5 एंड नथिंग इज प्रिंटेड। ओके जी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेट्स डीबग, हम उसे डॉ ओके। यहां आते हैं, यहां आए, आपका एरर आए ना, आपको फौरन से पहले परेशान नहीं होना चाहिए, दिन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करने लगा, इस TH की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 15 आनी चाहिए, ऐसे क्या? ऐसे क्या? F10 क्या वैल्यू आई है? ये एक मिनट, अगर मैं इसको यहां से दिखाऊं आपको, TH वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। बाय द वे पैरामीटर भी देख लें, H की वैल्यू कितनी है? 20, और जो सिंबल है वो तो ऑफ कोर्स सही आया हुआ है, तो पैरामीटर ठीक पास हुआ, लेकिन वैल्यू गलत आई है। कैन एनीबॉडी गैस? बिल्कुल भी नहीं, बैटरी की मसल नहीं है। एक्चुअली व्हेन यू डिवाइड 3/4, आप दोबारा बताएं क्या बात थी? यस, दिस विल बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज एन इंटीजर, ओके। इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज एन इंटीजर, ओके। देर आर लॉट्स ऑफ फिक्स टू दिस। वन फिक्स इज कि आप यहां पे 0.0 कर दें। एक तरीका यह है कि आप एक और काम करें, इसको मल्टीप्लाई बाय एच कर दें, डिवाइड बाय 4 कर दें, ठीक है। या एक ये भी तरीका हो सकता है, 0.75 से आप इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है। यू कैन डू वट एवर यू लाइक, ओके। और ऑफ कोर्स इसकी जगह भी गलत होगा, क्या गलती होगी? 0.25, और ये भी गलत है, क्या होना चाहिए? 0.5, और ये कितना होना चाहिए? 0.75, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड समथिंग इज रॉन्ग। क्या समथिंग इज रॉन्ग है? ओ, यहां होना चाहिए था कंट्रोल एक्स, ओ यहां होना चाहिए था कंट्रोल एक्स, ठीक है। बात सुन आई? ठीक है, ऑल राइट। नाउ देयर इज ओनली वन थिंग रिमेनिंग, और वो ये कि नीचे वाला पैटर्न, बट वो पैटर्न हमें पता है, ठीक है। द ओनली थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इज कि एक बात सुन ले, वो ये है कि जब हम, यार ये रेड पेन भी ठीक नहीं है, ये जो लाइन नंबर है ना, ये कितनी है? ये लाइन नंबर है भाई कितनी? ये लाइन नंबर होगी एक्सएल में 6, लेकिन ये इस ट्रायंगल की कौन सी लाइन है? आप से पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बेटा। आप मैं ये यही सही है, वो मैंने वही लिखा है, मैंने लाइन नंबर इक्वल टू 6 लिखा है, लेकिन बेटा ये इस नीचे वाली अपसाइड डाउन वाली ट्रायंगल की कौन सी लाइन नंबर है? 1 है। आपको ये बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नीचे वाली ट्रायंगल है वो शिफ्टेड है, जिसका मतलब है कि इसकी लाइन नंबर हमें दोबारा से रिकम्प्यूट करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? तो एक्चुअली हम पहले एक काम करेंगे, और काम ये करेंगे कि सबसे पहले यहां पर जाएंगे, यहां पर लेंगे इंटीजर ट्रायंगल लाइन नंबर, जो कि बराबर होगी लाइन नंबर माइनस कितना, 0.25 टाइम्स एच, ओके। ये एक्चुअली किसकी बनती है? ये अपसाइड डाउन वाले ट्रायंगल की लाइन नंबर 1 बनती है,
ये बात समझ आई? ठीक है, तो एक्चुअली जो लाइन नंबर होगी वो स्टार की लाइन नंबर 6 होगी, लेकिन अपसाइड डाउन वाले ट्रायंगल की वो लाइन नंबर 1 होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और अब हमें पैटर्न निकालना आता है। इसका पैटर्न क्या है? ठीक है, पहली दफा जी नंबर ऑफ स्पेसेस होती है, नंबर ऑफ स्पेस, सो लाइन नंबर, देखिए नहीं, इसका नाम लिखना है टी लाइन नंबर, इन ट्रायंगल लाइन नंबर। जब ट्रायंगल लाइन नंबर 1 होती है तो नंबर ऑफ स्पेसेस शुरू में 0 होती है, ऐसे है? और नंबर ऑफ स्टार्स कितने होते हैं जी बता, पहले ये बता दीजिए, वो तो बड़ा आसान है, 2 पे 1 होती है, ऐसे है? फिर 3 पे 2 होती है। कैन यू टेल मी के लाइन, जब ट्रायंगल लाइन नंबर होगा तो इसका क्या होगा? टी लाइन नंबर माइनस 1। अब इस पे आ जाते हैं, ऐसा क्या हुआ? ये होगा फॉर्मूला बताओ ना, एच की, इसकी टी एच की फॉर्म में बताओ, जिसकी भी हाइट टी एच ही है, डू यू ऑल एग्री? ओके, इसकी भी हाइट टी एच ही है, तो वो होता है 2 टाइम TH माइनस 1, और अगली दफा क्या होगा? 2 टाइम TH माइनस 3। कैन यू गेस व्हाट्स द फॉर्मूला? 2 टाइम TH माइनस 2 टाइम TLN माइनस 1, एंड वी हैव टू राइट ओनली 2 लाइन्स, एंड दोज लाइन्स विल बी प्रिंट अ सिंबल के टाइम्स। हां जी, सिंबल है स्पेस एंड द पैटर्न इज, हां जी बताएं, TH माइनस लाइन नंबर TLN। ओके, ठीक है, और प्रिंट अ सिंबल के टाइम्स, हां जी बताएं आगे सिंबल, और यहां बेटा क्या आ जाने, 2 मल्टीप्लाई बाय TH माइनस, हां जी बताएं, 2 मल्टीप्लाई बाय TLN माइनस 1। ठीक हो गया? ठीक है, दैट्स इट। ओह गलत हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय TH माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय T लाइन नंबर। एक मिनट, हाँ ये होना चाहिए, ये ब्रैकेट नहीं लगनी चाहिए क्या यहां पे? TLN माइनस 1 होना चाहिए, राइट, और यहां पर वो ठीक था, है ना, 2 टाइम लाइन नंबर माइनस 1। ठीक है, लेट्स चेक, ठीक है, थैंक यू सो मच, और